यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग होप्सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो चलिए कल हमने थोड़ा थियरी पढ़ा था गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग यस यस तो कल हमने क्या पढ़ा था भाई साहब एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं कल हमारा थियरिटिकल लेक्चर था आज डोन्ट वरी आज प्रैक्टिकल लेक्चर रहेगा तो आज थोड़ा सा थियोरी पढ़ेंगे बाद में प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे आज तो आज का लेक्चर मिक्स ऑफ थियोरी प्रैक्टिकल रहेगा कल का लेक्चर ज्यादा थ्योरी था आज का लेक्चर मिक्स ऑफ थियोरी मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रहेगा और फिर हम मंडे से नया टॉपिक चालू कर लेंगे करके ठीक है तो चलिए कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं मैं तो कल हम बात कर रहे थे बाबू कि इनकम किसको बोलते हैं कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे तो so, इनकम में अभी तक मैंने जो आपको बताया कि दो तरह की रिसिट हो सकती है एक होती है है. आपको यहां बताया था कैपिटल रिसिट में जैसे कोई लोन लिया या शेयर कैपिटल वगैरह है वो कोई टैक्सेबल नहीं होती कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन इज ऑल्सो कैपिटल रिसिट जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेच देते हो आप जो है वो कोई प्रॉपर्टी बेच देते हो तो उससे जो रिसिट होती है कि नॉर्मली मूवेबल पर्सनल तो कोई टैक्स नहीं लगता मीनस आप अपने घर के बर्तन बेच दीजिए आपके घर का फर्नीचर बेच दिया आपकी पुरानी बाइक बेच दी आपकी कार बेच दी आपका मोबाइल फोन बेच दिया उस पर टैक्स नहीं लगता लेकिन उसमें कुछ कुछ पर्सनल असेट पे टैक्स लगता है जैसे ज्वेलरी मैंने ज्वेलरी बेच दी ये गोल्ड चेन बेच ली तो उस पर मुझे टैक्स लगेगा अब ये कैसे लगेगा क्या लगेगा हम कैपिटल गेन में इन डिटेल में है वो डिस्कशन करने वाले हैं बट बाकी कोई भी कैपिटल असेट अगर आप बेचोगे जैसे आपने प्रॉपर्टी बेच दी आपका लैंड बेच दिया आपका घर बेच दिया तो कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि घर मूवेबल नहीं है मूवेबल पर्सनल असेट कुछ ऐसी है जिस जिसपे टैक्स नहीं लगता जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे अब एक बात समझना इसके बाद मैंने चालू किया था कुछ पार्ट दैट इज कॉल योर डीम्ड इनकम डीम्ड इनकम मीन आपको अगर देख के लगेगा कि ये कैसे इनकम हुई बट ये इनकम मान ली जाएगी सर कौन कौन सी सबसे पहला अगर मान लो आपको कोई कैश क्रेडिट होता है कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ऐसी एंट्री पास हुई है कुछ क्रेडिट हुआ है आपसे पूछा गया ये कहां से आया है आपसे पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया है आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो

आप बता ही नहीं पा रहे हो या आपका एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी दूसरा पॉइंट ये पड़ा था कि अगर आपने किसी से लोन लिया या किसी से बोरोइंग लिया और लोन बोरोइंग में अगर आगे वाले पर्सन का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना तो ये माना जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और ये आपके हाथ में इनकम बन जाएगी ऐसा इस बार अमेंडमेंट किया है बाय फाइनेंस एक्ट टू से एक और चीज समझना अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है अगर मान लो किसी से शेयर किसी को शेयर इश्यू कर रही है और उसके लिए शेयर एप्लीकेशन मनी मिलता है या शेयर प्रीमियम मनी मिलता है या शेयर कैपिटल मिलता है और अगर वो शेयर होल्डर का एक्सप्लेनेशन से नहीं है तो ये माना जाएगा उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कंपनी के हाथ में वो क्या हो जाएगा इनकम बन जाएगा और वो डीम्ड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी उसके बाद मैंने सेक्शन सिक्सटी की बात की सेक्शन सिक्सटी बोलता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट किया जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली शेयर खरीद लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया कहीं रिकॉर्डेड नहीं है फिर पता चला ये कहां से किया था और उसका सोर्स आप बता नहीं पा रहे कि ये कहां से किया था ये पैसा कहां से लाया था तो वो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी या फिर आपके पजेशन में कोई अनएक्सप्लेन मनी मिल जाता है आपके पास में मान लो वहां रेड हुई और रेड में कुछ मनी मिल गया कुछ बुलियन मिल गए कोई ज्वेलरी मिल गया आपके पूछा गया इसका सोर्स क्या है आप उसका बता ही नहीं पा रहे हो तो वो आपकी अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाती है और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट सेवेंटी उसके बाद एक सेक्शन होती है सिक्सटी नाइन बी सिक्सटी बी क्या बोलती है कि अगर मान लो आपने है कोई इन्वेस्टमेंट है या असेट है उसको रिकॉर्ड तो किया है बुक्स में बट पूरा रिकॉर्ड नहीं किया बुक में रिकॉर्ड तो किया है बट पूरा नहीं किया जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इस साल में क्या किया गोल्ड खरीदा एक किलो अब एक किलो जब गोल्ड खरीदा तो एक किलो गोल्ड कैसे खरीदना पड़ेगा पचास लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा अब मैं क्या बोल रहा हूं पचास लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है गोल्ड की मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा तो बिल पे अमाउंट पचास लाख होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बिल भी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है तो बिल पे अमाउंट कितना होना चाहिए पचास लाख बट मैं बोलता हूं कि मैंने तो बीस लाख में खरीदा है अब यार बीस लाख में आप एक किलो गोल्ड थोड़ी खरीद सकते हो मेरे से पूछा गया कैसे आपने बीस लाख में खरीदा मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा हूं मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो जो उस गोल्ड का मार्केट वैल्यू है पचास लाख और मैं बोलता हूं मैंने बीस लाख में खरीद में, में दिया होगा ब्लैक मनी होगी एओ के पास में यह पावर है असेसिंग ऑफिसर के पास में पावर है कि जो डिफरेंस थर्टी लैक है यह आपके लिए इनकम बन जाएगी उसके बाद में एक और सेक्शन पढ़ी सिक्सटी सी करके और हमने यहां पर देखा था कि इस बच्ची की शादी थी करके और शादी थी और शादी के, के केस में क्या हुआ कि इसके पापा ने एक करोड़ रुपया खर्च किया शादी पे खर्चा किया फिर पापा को एक साइड में बुलाया इनकम टैक्स वालों ने और पूछा कि भाई ताऊ जी ये कहां से पैसा लाया था एक करोड़ आपने जो खर्चा किया है दैट इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर किया आप बताइए ये पैसा कहां से आया था इसका सोर्स क्या था इसका नेचर क्या था और वो बता ही नहीं पा रहे तो उस पर्टिकुलर केस में वो एक करोड़ उनकी इनकम बन जाएगी और उनको टैक्स भरना पड़ेगा यहां पे 78 परसेंट की रेट से उसके बाद में एक सेक्शन होती है सिक्सटी रीपेड ऑन द दुंडी अब ये अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द दुंडी क्या होता है समझने की कोशिश करता है, है पहले होता था आजकल नहीं होता ये जो Hyundai होता है वो हुडी जो है वो प्रोमिजरी नोट होता है प्रोमिजरी नोट का मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रोमिजरी नोट लिख के दे दिया करके ठीक है कि मैं आपको एक करोड़ रुपया देने वाला हूं आज से छह महीने बाद का छह महीने बाद में आपको एक करोड़ रुपया देने वाला हूं आपके पास वो एक नोट है प्रोमिजरी नोट है ठीक है जिसको हुंडी बोलते हैं अब एक बात समझना आप उस नोट के बीहा पे क्या करते हो वो जो प्रोमिजरी नोट है उसके बिहार पे कहीं से कैश में लोन ले लेते हो अगर उसको गिरवी रख के उस नोट को गिरवी रख के कहीं से आप कैश में लोन ले, ले लेते हो अगर आपने कैश में लोन ले लिया तो भैया जितना कैश में लोन लिया है ना वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी या फिर आपने लोन कैश में तो नहीं लिया था आपने लोन तो बैंक से लिया था उसको प्रोमिसरी नोट को गिरवी गिर रखे, उस हुंडी को गिरवी रखे बट आप उसका रीपेमेंट कैश में कर रहे हो आप उसका रीपेमेंट कैश में कर रहे हो तो रीपेमेंट वाला जितना आपने कैश में किया ना वो आपके लिए क्या बन जाएगा इनकम बन जाएगा और मैं बताऊं ये जितनी भी इनकम हमने पड़ी है दैट इज द आपका सिक्सटी ए बी सी डी ये जितनी भी आपकी इनकम है ये इनकम टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 115 वन में इसकी जो टैक्स रेट दे रखी है वो सेक्शन 115 वन में दे रखी है और 115 वन बोलती है कि 60% परसेंट का आपका टैक्स रेट रहेगा 25% का आपका सरचार्ज रहेगा और 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा मीनस इफेक्टिवली मैं आपको बता दू 78% की टैक्स रेट रहेगी इफेक्टिव टैक्स रेट जो आपकी रहने वाली है दैट इफेक्टिव टैक्स रेट इज 78% एट परसेंट मीन सेवेंटी आपको टैक्स भरना पड़ेगा और इस पे बेटा कुछ पेनल्टी भी लगती है जो कि हम सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे इंटर लेवल पे, पे पेनल्टीज वाला टॉपिक नहीं है सीए फाइनल लेवल पे पे हम इस पे पेनल्टीज भी सीखेंगे कि इतना तो आपको टैक्स भरना है और इस पे 10 परसेंट पेनल्टी और लगती है जो कि सीए फाइनल में आएगी अभी इंटरमीडिएट में वो वाला टॉपिक अभी आपके लिए है नहीं कि पेनल्टी कितनी लगेगी क्या लगेगी वो सब सीए फाइनल में आएगी अभी इंटरमीडिएट के लिए वो वाला टॉपिक आपके लिए एप्लीकेबल है नहीं करके ठीक है चलिए तो इतना अपन ने कल पढ़ा था आज हम इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे करके ठीक है चलिए इधर देखिए सब लोग आज हम जो है वो इसके आगे अगर एग्जाम में 60 और 78 परसेंट दोनों ऑप्शन रहे तो क्या करेंगे अगर इफेक्टिव टैक्स रेट बोला है तो 78 परसेंट अगर इफेक्टिव टैक्स रेट बोला है तो 78 परसेंट सर बैंक से लिया बैंक से रीपे किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर बैंक से लोन लिया और बैंक बैंकिंग चैनल से ही रीपे किया तो कोई दिक्कत नहीं है कैश में नहीं करना चाहिए यहां पे है ना सरचार्ज एक अलग दे रखा है किसी का ये जो रहेगा कि सर यहां पे सरचार्ज है वो सरचार्ज अलग दे रखा है चलिए होमवर्क क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आज करके ठीक है लास्ट वाले पार्ट में करेंगे मेरे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसको एक बार पढ़ाने दे दीजिए फिर मैं क्या करूंगा लास्ट में जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दूंगा लास्ट में मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा कि होमवर्क क्वेश्चन जो है डीम्ड इनकम की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है आंसर इज नो कितना भी ये ये डीम्ड इनकम माना जा सकता है, हो सकता है है हो लेकिन ये बड़े बड़े केसेस में पकड़ते हैं जैसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा हुआ तो वहां पकड़ते अगर आप बोलोगे आपके अकाउंट में किसी ने मान लो किसी ने पचास रुपए डाल दिए आपको पता नहीं कहां से आए तो उस केस में ये नहीं लगता है। ये कहां लगता है जब बड़े केसेस होते हैं एओ पकड़ता है आपको आपके असेसमेंट होते हैं तब जाके ये चीजें होती है ठीक है चलिए व्हाट इज द क्लोजली हेल्ड कंपनी

थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पे चलेंगे करके ठीक है चलिए अब एक बात समझना आप लोग हां अब अपन आगे चलते हैं कल टेस्ट नहीं होगा इस संडे नहीं होगा अगले संडे होगा क्योंकि अगले संडे तक तो काफी कुछ हो चुका होगा उसके बाद हम टेस्ट लेंगे बट कल चलो मैं टेस्ट ट्राई करता हूं ठीक है आज आपको दिए अगर मेरे पास टाइम बचा तो आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा कुछ क्लास में तो उसको टेस्ट के रूप में आप ले लीजिएगा और उसको फिर समझिएगा ठीक है चलिए अब मुझे आज पढ़ाने दीजिए प्लीज चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और सर एक बात बताइए आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था इधर देखना सब लोग आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि सर जो भी आपने कॉन्सेप्ट बताया था एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं तो मैं बोलता हूं ये आपका ईयर इन विच इनकम अर्न मींस जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर और बेटा एक होता है असेसमेंट ईयर दैट इज ईयर इन विच एसे रिक्वायर टू पे टैक्स मतलब टैक्स आपको अगले साल भरना है दैट इज कॉल असेसमेंट ईयर और अगले साल क्या होता है असेसमेंट ईयर असेसमेंट से मतलब क्या होता है आपकी टोटल इनकम निकाली जाती है उस पर टैक्स निकाला जाता है इनकम टैक्स वाले आपसे पूछते हैं कि आपने इनकम सही बताई है या नहीं तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट इयर अगर मैं अपने एग्जाम के लिए बोलूं जो अपन फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है वो प्रीवियस ईयर 22 तेईस के लिए एप्लीकेबल है और असेसमेंट ईयर है वो आपका तेबिस चौबीस के लिए एप्लीकेबल है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनेंस एक्ट आया होगा ये कब आया था इसका जो बजट आया था फर्स्ट फेब 2022 को आया था तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर पीरियड के लिए होता है तो फर्स्ट फेब 2022 को आया इसका मतलब आपकी फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 के बीच में जो आप इनकम कमाओगे उससे रिलेटेड है ये और इस पर टैक्स कब भरेंगे उसके अगले साल असेसमेंट ईयर 23 चौबीस में तो मैं बताऊं यहां प्रीवियस ईयर आपका चालू होगा फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके और थर्टी मार्च 2023 इस पर्टिकुलर पीरियड में आप इनकम कमाओगे और बेटा उसका अगला ईयर दैट इज फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेके और बेटा थर्टी फर्स्ट मार्च 2024 उस पर्टिकुलर पीरियड में आप क्या करोगे उस टैक्स टैक्स भरोगे में उसका इनकम रिटर्न बनाओगे आईटीआर जिसको बोलते हैं क्या आईटीआर बनाओगे अपना हिसाब किताब लगाओगे फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो फाइल करोगे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा आपने सही किया है या नहीं वो सब काम जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर में होने वाला है अब एक बात बताओ मुझे अब एक बात बताओ मुझे सर आप बोल रहे हो कि ये प्रीवियस ईयर है इस ईयर में ये असेसमेंट ईयर रहेगा लेकिन सर ये प्रीवियस ईयर हो सकता है पिछले ईयर का असेसमेंट ईयर है आंसर इज या सीधी सी बात है तो एक बात बताओ जो प्रीवियस ईयर लास्ट वाला था 21-22 में जो इनकम कमाई थी उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है 22-23 जो लास्ट ईयर आपने इनकम कमाई होगी इस पर्टिकुलर पीरियड में दैट इज 21 बाईस में जो इनकम कमाई थी उस इनकम के लिए आपका 22 तेईस है वो असेसमेंट ईयर है तो एक ईयर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है प्रीवियस ईयर भी होता है क्योंकि असेसमेंट ईयर पिछले वाले साल के लिए और भैया प्रीवियस ईयर अगले वाले साल के लिए मतलब सिंपल सी बात है ना अगर मान लो ये मैं बाईस तेईस की बात करूं तो बाईस तेईस इक्कीस बाईस ईयर के लिए क्या है असेसमेंट ईयर है क्योंकि 21-22 में जो आपने इनकम कमाई थी उस ईयर के लिए ये 22-23 है वो असेसमेंट ईयर है लेकिन 22-23 में जो इनकम कमा रहे हो ये प्रीवियस ईयर है उसका अगले वाला साल है वो असेसमेंट ईयर है चलिए अब एक बात समझते हैं नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली ये जो प्रीवियस ईयर होता है ना इसमें जो आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में मीनस आपको अगले साल जाके टैक्स भरना है सीधी सी बात है आप अगले साल जाके और उस पर टैक्स भरोगे लेकिन एक बात समझना यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं पांच केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई और उसपे टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा मिस आपने इनकम प्रीवियस ईयर में भर, कमाई और प्रीवियस ईयर में ही आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आपको टैक्स भरना पड़ेगा देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस नॉर्मली तो क्या होता है सिंपल सी बात बताओ मुझे आपके डैडी है वो पैसा कमा रहे हैं इस साल आज जो पैसा कमा रहे हैं उस पर रिटर्न कब भरेंगे अगले साल भरेंगे मार्च मंथ के बाद में रिटर्न भरते हैं जुलाई में अक्टूबर में जाके रिटर्न भरते हैं अगले साल भरते हैं टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह लेकिन बेटा कुछ ऐसे पांच एक्सेप्शनल केसेस है कुछ ऐसे पांच एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें क्या करना पड़ता है पता है कि अगर प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो तो आपको टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ता है और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ता है पांच केसेस में अब आप बोलोगे कौन कौन से पांच केसेस करके ठीक है चलिए इधर देखिए मैं एक 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 केस है वो आपको समझाता हूं और आपको इजीली समझ जाओगे और आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है करके ठीक है देखिए सबसे पहली एक आपको कुछ लिखना नहीं है सब लिख के दे रखा है आपको कुछ लिखना नहीं है इधर देखिए एक सेक्शन हुआ करती है दैट इज द सेक्शन नंबर वन और ये 172 सेक्शन होती है दैट इज रिलेटेड टू द शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट अब एक बात समझना ये शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट क्या है समझने की कोशिश करना जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इधर देखना बेटा वन एक सेक्शन है यह क्या बोलती है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं क्या हुआ क्या यूएसए का एक कंपनी है जिसका नाम है USA का एक कंपनी है जिसका नाम है या मान लो का एक बंदा है, 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 है. है? समझिए कि जो बाहर रहता है इंडिया का बंदा नहीं है बाहर रहता है जैसे मैं हूं मैं रेजिडेंट हूं आपके पापा है वो रेजिडेंट है करिए ठीक है जो इंडिया में वन डेज या उससे ज्यादा रहता है उसको रेजिडेंट बोला जाता है बाकी लोगों को नॉन रेजिडेंट बोला जाता है ठीक है चलिए अब एक बात समझिए ये जो सैम है ये नॉन रेजिडेंट है अब इस सैम के पास में क्या है एक शिप है ये जो है एक शिप है मैं यहां शिप बना देता हूं ये शिप है ठीक है ये जो है ये शिप है अब आप बोलोगे ये तो दिवाली का दिया लग रहा है बोट लग रही है ठीक है थोड़ी देर के लिए जैसा आपको मैं बोल रहा हूं वैसा समझ लीजिए ये जो है ये शिप है करके ठीक है शिप है शिप शिप मतलब जहाज है करके ठीक है जहाज अब हुआ क्या ये जो बंदा है ये बंदा इंडिया इस जहाज को लेके आता है तो इंडिया मान लो ये इंडिया का मैं मैप बना रहा हूं ठीक है अब आप समझना भाई इसमें जस्ट ये इंडिकेटिव मैप है करके ये श्रीलंका है ये साथ में मिलता है और ये हमारा इंडिया है बड़ा प्यारा हमारा इंडिया करके ठीक है चलिए ये इंडिया है और वो श्रीलंका है अब ये शिप लेके आया यहां पे मुंबई है यहां पे मान लो मुंबई और यहां पे मुंबई है और ये जो मुंबई है मुंबई ये जो मुंबई है मुंबई पोर्ट है यहां पे एक मुंबई पोर्ट है जिसको डॉकयार्ड रोड पोर्ट बोलते हैं करके ठीक है तो ये मुंबई है अब एक बात समझिए ये, ये मुंबई है ये यहां पे शिप लेके आया शिप लेके आया और यहां पे ये शिप लेके आ गया यहां मुंबई पोर्ट पे आ गई शिप देखिए इधर मुंबई पोर्ट पे शिप आ गई अब एक बात समझिए इस मुंबई पोर्ट पे अब बोलेगा कोई गोवा है कोई बोलेगा तमिलनाडु है रुक जा मेरे बाबू करके ये इंडिकेटिव है सिर्फ ठीक है हाँ अब एक बात समझिए ये मुंबई है करके ठीक है और मुंबई पोर्ट पे इस शिप में क्या हो रहा है पता है कुछ गुड्स लोड हो रहा है कुछ गुड्स लोड हो रहा है लोड हो रहा है गुड्स गुड्स लोड हो रहा है यहां बहुत सारा गुड्स लोड हुआ पैसेंजर लोड हुए सब लोग लोड हुए यहां पर इस शिप में और ये शिप यहां से कहां जा रही है पता है वापस यूएसए जा रही है अब एक बात बताओ आप लॉजिकली सोचना कि ये जो सैम करके है ये सैम यूएसए का बंदा है ये शिप का ओनर है वो इंडिया आया शिप लेके और इंडिया से वापस क्या कर रहा है वो शिप को में सामान भरके या लोगों को भरके जा रहा है तो भैया जब इंडिया में गुड्स लोड हो रहा है इंडिया में गुड्स लोड हो रहा है तो इसका भाड़ा कहीं भी वर्ल्ड में मिला हो उससे फर्क नहीं पड़ता गुड्स कहां लोड हो रहा है इंडिया में हो रहा है तो गुड्स जब इंडियन पोर्ट पे लोड हो रहा है तो उस पर इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि ये इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है जब गुड्स इंडिया में लोड होता है देखो गुड्स आप इंडिया से ले जा रहे हो तो जब इंडियन पोर्ट से आप गुड्स ले जा रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि ये इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है इसका जो भाड़ा इसको मिलेगा उस भाड़े पे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा लेकिन एक बात बताइए मुझे लेकिन मुझे एक बात बताइए सर क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं क्या कि अभी इस शिप को हम जाने देते हैं कि जा 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 जा, जा सिमरन तुझे आजाद कर दिया जा कोई बात नहीं तू असेसमेंट में ईयर में आके और हमारे यहां टैक्स भर देना ना बाबा ना हमको इस शिप वालों पे भरोसा नहीं है हमको ये शिप वालों पे भरोसा नहीं है तो हम क्या करते हैं पता है हाथों हाथ जब ये यह शिप यहां से डिपार्चर होती है जैसे ही ये शिप जो है यह शिप यहां से डिपार्चर होती है करके ठीक है जैसे यह शिप इंडियन पोर्ट को छोड़ के जा रही है ना हाथों हाथ उसका गला पकड़ते हैं उसका जो कैप्टन होता है ना मास्टर होता है उसको बोलते भाई इधरा इधर इधरा तूने इसमें कितने का गुड्स लोड किया है करके ठीक है अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में इन डिटेल आप सीए फाइनल में पढ़ोगे करके इसके बारे में इन डिटेल सीए फाइनल में पढ़ोगे बट एक इतना सा इतू सा पॉइंट है वो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके मटेरियल में भी दे रखा है इसके लिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है तो होगा क्या पता है कि जैसे ये शिप इंडिया से डिपार्चर होगी तो डिपार्चर होने से पहले ही उसको इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले ही जितना उनको फ्रेट मिला होगा मतलब जितना फ्रेट मिला होगा जितना फ्रेट मिला होगा उनको जितना फ्रेट मिला होगा जितना इंडियन पोर्ट पे गुड्स लोड हुआ है उसका उसका एक साढ़े सात परसेंट किया जाता है साढ़े सात परसेंट इनका इनकम माना जाता है साढ़े सात परसेंट पे फिर चालीस परसेंट की रेट से इंडिया में उनको हाथों हाथ टैक्स भरना पड़ता है और टैक्स भी तभी भरना पड़ता है रिटर्न भी तभी, तभी भरना पड़ता है उसके बाद ही इस शिप को इंडियन पोर्ट छोड़ने दिया जाएगा उससे पहले नहीं छोड़ने दिया जाएगा उसी पार्ट पे वहीं पे जहां पे ये इंडियन पोर्ट छोड़ने वाली है शिप उसी टाइम हम क्या करेंगे उससे टैक्स ले लेंगे टैक्स कैसे निकाला जाता है इसमें इसमें ये जो फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं साढ़े सात परसेंट चालीस परसेंट यह इंटरमीडिएट में नहीं है उसकी इनकम मानी जाती है फ्रेट का साढ़े सात परसेंट साढ़े सात परसेंट है वो इनकम मानी जाती है और उसका चालीस परसेंट है वो इंडिया में उसको टैक्स भरना पड़ता है और टैक्स भरने के बाद ही ये इंडिया छोड़ के जाता है करके ठीक है ये इंडिया में टैक्स भरेगा और उसके बाद ही इंडिया छोड़ के जाएगा तो आप एक बात बताइए यहां प्रीवियस ईयर की इनकम थी और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग गया यहां तो प्रीवियस ईयर की इनकम थी और प्रीवियस ईयर में ही उस पर क्या लग गया टैक्स लग गया प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में उस पर टैक्स लग गया असेसमेंट ईयर तक तो रुके ही नहीं करके ठीक है असेसमेंट ईयर तो तक तो रुके ही नहीं तो यहां पे जो भी फ्रेट मिलेगा फ्रेट का मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लो कोई भी आप गुड्स भेज रहे हो या पैसेंजर भेज रहे हो तो पैसेंजर का जो टिकट प्राइस है वो भी यहां पे फ्रेट में ले लेंगे मतलब कोई भी अमाउंट रिसिव्ड एनी अमाउंट रिसिव एनी इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो हो सकता है बुकिंग यूएसए से हुई थी करके ठीक है बट गुड्स लोड कहां पे हुआ है इंडिया में हुआ है गुड्स जो लोड है वो लोड इंडिया में हुआ है तो उसका जितना भी भाड़ा मिला होगा उस भाड़े का साढ़े सात परसेंट इनकम मानी जाती है और उस पर चालीस परसेंट टैक्स भरना पड़ता है और ये टैक्स भरने के बाद ही इस शिप को इंडिया के बाहर जाने दिया जाएगा उससे पहले इंडिया के बाहर नहीं देने जाने दिया जाएगा कोई बोल रहा है ये तो एक्सपोर्ट ड्यूटी है एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है बाबू एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्टर को लगती है हम यहां पे शिप का जो कैप्टन रहेगा शिप का जो मास्टर रहेगा उस मास्टर पे टैक्स लगा रहे हैं मिस मास्टर जो कमा रहा है शिप वाला जो कमा रहा है जो नॉन रेजिडेंट है जो शिप का ओनर है वो जो भाड़ा कमा रहा है उस भाड़े का साढ़े सात परसेंट इनकम माना जाएगा और उस पे चालीस की रेट से क्या लिया जाएगा टैक्स लिया जाएगा दिस इज द सेक्शन 172 तो नॉर्मली तो क्या होता है कि आपकी इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है बट ना बाबा कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है

सर तेईस किलोमीटर दूर ही अरे भाई दो सौ नोटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है दो नॉटिकल नोटिकल माइल है वो इंडिया माना जाता है टू हंड्रेड नोटिकल माइल टू हंड्रेड माइल है वो इंडिया माना जाता है दर्शन यस हाँ मीन तीन परसेंट टैक्स आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि साढ़े सात परसेंट इनकम होगी तो अगर मान लो आप हंड्रेड रुपीज की इनकम कमाते हंड्रेड रुपीज आपको फ्रेट मिला तो उस पर साढ़े सात परसेंट इनकम हुई तो साढ़े सात परसेंट का चालीस परसेंट आप मान लीजिए तो नॉर्मली तीन परसेंट है वो आपको भर के जाना पड़ता है कुल मिला के आप ऐसा इफेक्टिवली बोल सकते हो बट ये आपके लिए रिलेवेंट है नहीं

नंबर पे हम बात कर रहे हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी इन द प्रीवियस ईयर इनवियस कुछ पांच केसेस ऐसे है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम है वो होगी प्रीवियस ईयर में।, में ही आपकी इनकम निकाली जाएगी प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शनल केसेस देखिए सबसे पहले जनरल रूल क्या बोलता है जनरल रूल तो ये बोलता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर दैट इज फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर मींस नेक्स्ट ईयर में मेंसेस्ड होती है नेक्स्ट ईयर में असेस्ड का मतलब होता है इनकम निकालना टैक्स निकालना दैट इज कॉल्ड असेसमेंट असेसमेंट बोलते ना तेरे को असेस कर रहे असेस assess मतलब असेसमेंट कर रहे असेसमेंट कर रहे मीन्स इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड असेसमेंट देखिए तो क्या लिखा हुआ है नॉर्मली क्या होता है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर ओनली इनकम ऑफ प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर इन ओनली फॉलोइंग ईयर बट एक्सेप्शन में लग जाएगा. तो पे क्या लिखा हुआ है? पांच केस है पांच एक एक केस अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो पहला केस समझाया तो देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में द इनकम ऑफ प्रीवियस इधर ध्यान दो सब लोग प्लीज अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं गिरीश वगैरह जो भी है अरे बेटा मैं एक बात बता दू मैं आपको वापस से ये चीज बोल रहा हूं कि आप जितना सोच नहीं सकते ना उससे ज्यादा मैं आपको बता दूंगा अब कोई बोलेगा ये नॉन रेजिडेंट पे क्यों लग रहा है ये वाला पॉइंट बिकॉज रेजिडेंट लोगों को तो पकड़ लेंगे ना एक बात बताओ कोई इंडिया की शिपिंग कंपनी है उसको नहीं पकड़ सकते उसका तो ऑफिस इंडिया में रहेगा उसका तो हेड ऑफिस इंडिया में रहेगा उसको कभी भी गला पकड़ के ला लेंगे असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेंगे करके ठीक है बट बेटा वो शिप छोड़ के जा रही है इंडियन पोर्ट तो उसको पता नहीं ना वो वापस आएगा या नहीं आएगा वो बांडिया वापस आएगा या नहीं आएगा आपने को पता नहीं ना इसके लिए ध्यान दो इधर देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले The income of assessee for the previous year is charged to income tax in the assessment year. Following the previous year, this ye a normal rule. Hai. For instance, income of previous year by stays is assessed during the assessment year. Te but therefore, te is an assessment year for assessment of income of previous year by stays. However, in the few cases, this rule does not apply and the income is taxed in the previous year in which it is earned. प्रीवियस ईयर में आपने कमाया उसी साल में टैक्स भरना पड़ेगा दिस एक्सेप्शन हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ये क्यों बनाया गया है पता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बात समझिए दिस एक्सेप्शन हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू अब आप बोलोगे कि इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट तो समझते हो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं रेवेन्यू के रेवेन्यू दैट इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है आप समझिए रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप समझिए यहां कि भैया दिस एक्सेप्शन क्यों भी किया ये क्योंकि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और यहां पे पांच एक्सेप्शन है और मैं एक एक एक्सेप्शन एक एक आपके साथ में बताऊंगा यहां पे बट डोंट वरी मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में तीन लाइन में लिखवा भी लूंगा करके ठीक है कि ये कैसे होता है तो देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहली एक्सेप्शन दैट इज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172 रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट यू कैन से दैट ठीक है चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है वेयर अ शिप बिलोंग्स टू और अ चार्टर्ड बाय मींस या तो बिलोंग्स टू मीस उसी की है या उसने चार्टर्ड की हो सकता है वो बंदे ने भी कहीं शिप भाड़े पर लेकर आया हो सैम जो है वो, सेम ने वो शिप भाड़े पर ले रखी है या सेम की खुद की शिप है ऐसा हो सकता है ना बट वो शैम है वो सेम जो बंदा है यूएसए का वो शिपिंग बिजनेस में है क्या लिखा हुआ है वेयर अशिप बिलोंग्स टू और चार्टर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट कैरेज पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया शिप्ड शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया और मैं बताऊं यहां शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया का मतलब क्या होता है पता है कि इंडियन पोर्ट पे वो शिप हुआ है गुड्स जो लोड हुआ है वो लोड आपका जो है वो इंडियन पोर्ट पे हुआ है करके द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट शिप को कब अलाउ किया जाएगा इंडिया छोड़ने के लिए ओनली वेन द टैक्स हैज बिन पेड और सेटिस्फेक्ट्री अरेजमेंट हैज बिन मेड फॉर द पेमेंट देअर में उस पर टैक्स भर के जाओगे या कोई सेटिसफेक्ट्री अरेंजमेंट करके जाओगे कि भाई हमारे बिहार ये बंदा टैक्स भर देगा करके ठीक है ऐसा बोल के जाओगे तो ही आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने दिया जाएगा अदरवाइज नहीं छोड़ने दिया जाएगा और यहां पे इनकम कितनी मानी जाती है तो नेक्स्ट लाइन में आईसीआई बोलती है 7.5 परसेंट ऑफ द फ्रेट पेड फ्रेट का जो भी है फ्रेट का साढ़े सात परसेंट इनकम माना जाएगा पेड और पेबल टू द ओनर और द चार्टर और एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ मीन्स यहां पे जो गुड्स लोड हुआ है उसका फ्रेट जो है वो किसी को भी मिला हो उसका फ्रेट मिला है Whether में मिला है इंडिया के बाहर मिला है और आउटसाइड इंडिया पैसा मिला है सच अमाउंट ऑफ सच कैरियर इज डीम टू बी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एट द सेम इन विच इट इज अर्न मतलब जिस इयर में अर्न की जाती है उसी इयर में उस पर टैक्स भर दिया जाए गा करके ठीक है चलिए आप एक काम करिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में मैं छोटा सा तीन-तीन लाइन में लिखवा लूंगा ये पॉइंट तो आपको याद रहेंगे इस बार एग्जाम में एक पॉइंट आया था इस बार का जो एग्जाम हुआ मई 2020 नवंबर 2022 के एग्जाम में ट्वेंट 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 एक पॉइंट यहां ये पांच पॉइंट में से चार मार्क का क्वेश्चन आ गया करके ठीक है जो ऑब्वियसली लोग बोलते हैं इसमें से कैसे आएगा करके ठीक है बट इसमें से क्वेश्चन आ गया चार मार्क का करके ठीक है चलिए तो आप एक काम करिए जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे आप लिखिए हेडिंग दे दीजिए हेडिंग दे दीजिए हेडिंग दे दीजिए हेडिंग, दे दे हेडिंग दे देंगे फॉलोइंग इनकम फॉलोइंग इनकम्स फॉलोइंग इनकम्स अर्न इन प्रीवियस ईयर फॉलोइंग इनकम्स आर अर्न इन प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन था मैं बताऊंगा फॉलोइंग इनकम वॉज अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल 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 के ब्रैकेट में लिख लेंगे असेज अबल फॉलोइंग इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल दैट इज असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ फॉलोइंग इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल ब्रैकेट में लिखे असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ सबसे पहला पॉइंट लिखिए सेक्शन 172 और हेडिंग दे दीजिए शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट हेडिंग दे दीजिए शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट और इसमें लिखिए इसमें लिखिए इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस एंगेज इन शिपिंग बिजनेस engaged in shipping in case of non resident engaged in shipping business required to pay tax required to pay tax required to pay tax in India in India in previous year itself in previous year itself before leaving before leaving L-E-A-V-I-N-G before leaving Indian port before leaving Indian port before leaving Indian port in this case in this case in this case income of non resident income of non resident calculated in following manner in this case income of non resident calculated in following manner चलिए कैसे उसकी इनकम निकालेंगे तो इनकम निकालने के लिए यहां लिखिए अमाउंट रिसीव्ड amount received in india or outside india in india or outside india for, for, for in india or outside india for carries of goods slash पैसेंजर फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया एंड मल्टीप्लाई करिए 7.5 परसेंट मल्टीप्लाई करिए 7.5 परसेंट ये 7.5 परसेंट इनकम है ब्रैकेट में लिख लीजिए दिस इज द इनकम और बेटा इस पर टैक्स रेट जो है ना वो फोर्टी परसेंट होती है ये आपके सिलेबस में नहीं है मैं तो भी लिखवा रहा हूं ठीक है इस पर जो टैक्स रेट रहती है वो टैक्स रेट जो है इनकम ऐसे निकाली जाएगी और इस पर टैक्स रेट फोर्टी परसेंट होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है वापस बोल रहा हूं आपके सिलेबस में नहीं है बट तो भी मैं लिखवा रहा हूं करके ठीक है फोर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज लग सकता है इफ एप्लीकेबल अगर आपकी इनकम आती है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है बल एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट ठीक है ये वाला पार्ट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है सिलेबस में नहीं दे रखा तो भी मैं लिखवा रहा हूं करके okay, ठीक है तो भी मैं लिखवा रहा हूं तो आप ऐसे कैसे इनकम निकालोगे अमाउंट रिसवड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया मल्टीप्लाई बाय 7.5 परसेंट आपका इनकम होगा एंड उस पर फोर्टी परसेंट के रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा और उसमें सरचार्ज लेंगे इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे वो फोर ठीक है हाँ चलिए अब एक बात समझता एक और सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 174। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए सेक्शन 174 और 174 में लिखिए पर्सन लिविंग इंडिया पर्सन लिविंग इंडिया ये क्या होता है हां और ज्यादा मत लिखा है सिलेबस ऐसे भी बहुत बढ़ाया करके ठीक है नहीं लिखाऊंगा मैं डोंट टेंशन ना ले ठीक है चलिए एक बात समझ एक दूसरा पॉइंट क्या है आपको पता है इंडिया से बहुत सारे लोग भाग के चले गए इंडिया से बहुत सारे लोग है वो भाग के चले गए एग्जाम्पल के लिए आपको याद रहेगा नीरव मोदी करके ठीक है आपको याद रहेगा ललित मोदी ललित मोदी नाम था आई थिंक हाँ तो नीरव मोदी ललित मोदी मेहुल चौकसी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने सुना होगा इंडिया से भाग के चले गए अब एक बात समझना ये सेक्शन ऐसा बोलती है 174 विजय माल्या हाँ विजय माल्या हाँ विजय माल्या भी था नीरव मोदी मैंने कौन कौन सा बोला तो नीरव बोला ना हाँ मैंने आ, नीरव मोदी ललित मोदी विजय माल्या महुल ऐसे बहुत सारे अब एक ये क्या होता है ना ये लोग क्या होते हैं एक सेक्शन बोलती है वन सेवेंटी फोर अगर जैसे ये प्रीवियस ईयर चल रहा है बाईस तेईस प्रीवियस ईयर चल रहा है और बाईस तेईस में ही आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो परमानेंट सेटलमेंट के लिए मोस्टली आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और इंडिया से बाहर जो जा रहे हो ना वो बाहर जा रहे हो किसके लिए पता है परमानेंटली आप बाहर जा रहे हो और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये भाई बंदा वापस नहीं आने वाला ये जो बंदा है ये बंदा वापस नहीं आने वाला मैंने सोचा कहीं मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लिया नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे क्या बोल रहे हो सर करके ठीक है तो सॉरी ऐसे मैंने नाम नहीं लिया मैंने को वापस मैंने रिमाइंड किया कि मैंने मैंने शायद दो बार मोदी मोदी बोला बोला था तो बोला था तो कौन करके ठीक है इसके लिए मैंने आपसे पूछा करके ठीक है तो देखिए मैंने क्या बोला अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है और वो बाहर जा रहा है परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा रहा है और इनकम टैक्स ऑफिसर को यह लगता है कि ये बाबूजी ये बाहर जो जा रहे हैं ना ये वापस नहीं आने वाले ये वापस नहीं आने वाले ये असेसमेंट में ईयर में आके क्या ही टैक्स भरेंगे कैसे रिटर्न फाइल करेंगे नहीं आने वाले ये तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है और असेसिंग ऑफिसर उसको अभी दबोच लेगा बोले रुक रुक कहां जाता है करके ठीक है कहां जाता है रुक यहीं पे करके ठीक है और अभी का अभी जो इस साल में अभी तक जो इनकम कमाई है उस पर अभी का अभी टैक्स भर उस उसपे अभी का अभी टैक्स भर और उसको बेटा अभी टैक्स भरना पड़ेगा इन द प्रीवियस ईयर इट करके ठीक है उसको प्रीवियस इट सेल्फ उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा दिस इज योर एक्सेप्शनल केस पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है बट यहां पे असेसिंग ऑफिसर को लगना चाहिए कि कि असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि भाई ये ये बंदा वापस वापस नहीं नहीं आ रहा ये वापस नहीं आने वाला तो यहां पे प्रीवियस ईयर में ही क्या लग जाएगा उसको टैक्स लग जाएगा प्रीवियस ईयर में ही उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर है वो अभी का अभी उसका हिसाब करेगा और बोलेगा अभी जो इस साल में अभी तक जो इनकम कमाई है उस पर तू क्या कर ले

एंड ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया मीन अगर असिंग ऑफिसर को लगता है कि एक कोई पर्सन है वो इंडिया के बाहर जा रहा है उसका कोई इंटेंशन लग नहीं रहा है इंडिया आने का करके ठीक है

एंड इट अपियर्स टू दिंग ऑफिसर दैट हीशन टू द रिटर्न उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का तो बिफोर लिविंग द इंडिया मिस्टर टैक्स उसको इनकम टैक्स पे करने के लिए बोला जा सकता है करके ठीक है ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का तो भाई असेसमेंट या ईयर चल रहा है वो तो टैक्स भरेंगे ही भरेंगे एज वेल एज द

ये कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स वालों को कि ये भाई जा रहा है और वापस नहीं आने वाला ये कैसा पता चलेगा एक बात बताओ ये कैसे पता चलता है जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हो ना तो आपको एक सर्टिफिकेट परमानेंट अगर जा रहे हो तो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट रहता है तभी आपको इंडिया से बाहर जाने दिया जाता है ऐसे सी फाइनल में एक रूल आएगा जिसका आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ये फॉलो नहीं करते अगर ये ठीक है बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है और जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लोगे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके बाद ही आपको इंडियन टेरिटरी को छोड़ने दिया जाएगा एयरपोर्ट से पास ही आपको तब होने दिया जाएगा जब आपको इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको एनओसी बोलते हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है और जैसे ही आप एनओसी लेने जाओगे तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू कहां जा रहे हो तो बोले हम तो बाहर जा रहे हैं कितने साल के लिए जा रहे हो बोले पता नहीं कब आएंगे तो बोले भैया अब तक जो इनकम कमाई है उस पर आप टैक्स भर दीजिए करिए ठीक है लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूँ हाँ, वीजा लेने जाते हैं तब वीजा तो नॉर्मली क्या होता है ना फॉरेन वाली जो एम्बेसीज है वो देती है वीजा करके ठीक है बट परमानेंट वीजा के लिए अगर आप जाते हो परमानेंट परमानेंट मीन आपको जैसे ग्रीन कार्ड मिल गया जहां पंद्रह बीस साल तक नहीं आने वाले हो तो दैट तो टाइप ऑफ परमानेंट वीजा वगैरह में एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिखिए ये बोलते हैं नीरव मोदी कैसे गए अरे भैया सब है तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से गए विजय माल्या तो एमपी था विजय माल्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जब वो भाग के गया तब ठीक है चलिए लिखिए जैसा मैं बताता था वैसे लिखिए हेडिंग दे दीजिए आपने दे दिया हेडिंग सेक्शन 174 सेवेंटी फोर पर्सन लिविंग इंडिया लिखिए लिखिए इफ इट इज अपियर टू इफ इट इज इफ इट इज इफ इट इज अपियर्स टू एओ इफ इट इज अपीयर्स टू दैट एनी पर्सन दैट एनी पर्सन इफ इट इज अपियर टू एओ दैट एनी पर्सन Leaving India, leaving India, if it is appear to AO that any person leaving India for permanent settlement, for permanent settlement, for permanent settlement, then, then, then. AO may then AO may ask assessee AO may ask assessee to pay tax to pay tax to pay tax in previous year itself in previous year itself. इन प्रीवियस ईयर इट सेल्फ ऑन द इनकम अर्न इन ऑन द इनकम अर्न इन ऑन द इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ऑन द इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर लिखिए एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखिए मिस्टर हरी Mr. Hari leaving India on 10 December 2022. Mr. Hari leaving India on 10 December 2022. On 10 December 2022. On 10 December 2022. 10 December 2022. In this case, in this case, AO may ask Hari in this case ao may ask hari in this case ao may ask hari to pay tax to pay tax on income earned ao may ask hari to pay tax on income earned between 1st april 2022

अब एक बात समझना दिस इज द सेकंड पॉइंट करके ठीक है चलिए अब एक बात समझना थर्ड पॉइंट ये आता है जैसे बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसी एओपी बीवाई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन बनाया मींस एओपी पीवाई बनाया जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए था जो सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट के लिए था उसके बाद आपने उसको डिसॉल्व कर दिया ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने कोई एओपी बीवाई बनाया वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए था और उसको फिर आपने डिजोल्व कर दिया तो होगा क्या कि वो स्पेसिफिक इवेंट जैसे ही खत्म हो गया ना तो उसी पर्टिकुलर ईयर में उस पर टैक्स भरना पड़ेगा उसकी इनकम पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप इजीली समझ जाओगे हम जितने भी लोग हैं मान लो हम दस लोग हैं एग्जाम्पल को समझना ध्यान से इजिली समझ जाओगे हमने दस लोगों ने एक बीवाई बनाया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हमने पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह नहीं बनाई हमने ऐसे ही जॉइंट वेंचर बनाया एक पेपर पे लिख लिया करके ठीक है कि चलिए हम दस लोग हैं कुछ बिजनेस करने वाले हैं क्या करने वाले हैं हमने ये सोचा कि नवरात्रि का जो महोत्सव रहता है नवरात्रि में हम लोग क्या करेंगे कि नवरात्रि में हम लोग डांडिया बेचेंगे जो डांडिया होती है डांडिया करके ठीक है वो डांडिया बेचेंगे हम नवरात्रि में पानी के पैकेट बेचेंगे पानी की बोतल बेचेंगे इसका हम दस लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया और हमने क्या किया एक जो है वो पेपर पे लिख लिया हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की हम दस लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सोचा कि चलिए हम एक काम करेंगे कि डांडिया जो है वो डांडिया में हम जो नवरात्रि वाला महोत्सव रहेगा वो नवरात्रि के महोत्सव में क्या करेंगे जो लोगों को पानी बेचेंगे उसके साथ साथ में लोगों को डांडिया बेचेंगे हम चाय लगा लेंगे करके ठीक है हम चाय लगा लेंगे करके ठीक है चाय का थिला लगा लेंगे वहां पे चाय बेचेंगे कॉफी बेचेंगे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स बेचेंगे हमने सिर्फ ये दस दिन के लिए किया है तो एक बात बताओ मैं बोलू हमने जो एओपी एपीबी बनाया वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया ना तो और जैसे ही ये इवेंट खत्म हो जाएगा जैसे ही ये इवेंट खत्म हो जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोल सकता है करके ठीक है असेसिंग ऑफिसर ये बोल सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है वो बोल सकता है कि अभी प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम कमाई है ना करके ठीक है उस प्रीवियस ईयर में ही आप टैक्स भर दो असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे अब क्योंकि आपका इवेंट जो था वो खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर में जो इवेंट खत्म हो गया तो अभी हाथों हाथ आप एक काम करो प्रीवियस ईयर में ही आप टैक्स भर दो असेसमेंट ईयर तक हम ना रुकेंगे ना पापा ना प्रीवियस ईयर में ही आप क्या कर दो टैक्स भर दो तो देखिए क्या लिखा हुआ ऑल पीपल पे अटेंशन समझने की कोशिश करना यहां पे पहले आईसीआई ने क्या लिखा फिर मैं दो लाइन में लिखवा लूंगा देखिए एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या तो कोई एओपी भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या होता है जो कहीं नहीं आता वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आता है फॉर अ पर्टिक्यूलर इवेंट और पर्टिकुलर पर था आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन इज फॉर्म और एस्टेब्लिश फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर पर्प एंड ऑफिसर अपट दी बीवाई इज लाइकली टू बी डिजोल्व इन द सेम वो इसी साल में डिजोल्व हो जाएगा ठीक है और इन द नेक्स्ट ईयर ही कैन मेक द असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिजोल्यूशन एज द इनकम ऑफ द कुल मिला के वो प्रीवियस ईयर में ही आपको क्या भरा देगा टैक्स भरा देगा करके ठीक है चलिए मैं एक काम करता हूं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखवाता हूं तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे तो लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं हेडिंग दे दीजिए तीसरे पॉइंट का और तीसरा पॉइंट लिखिए एओपीबीओ एओपीबीओ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को एजेपी बोल सकते आप एओपीबीआई फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज तो एओपीबीआई ए जे पी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज लिखिए इफ इफ एओपी स्लैश बी ओ आई एओपी स्लैश बीओ आई स्लैश एजेपी स्लैश एजेपी इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट and dissolve in previous year itself and dissolve in previous year itself in previous year itself previous year itself previous year itself in this case previous year full stop in this case ao may ask assessee in this case, AO may ask assessor AO may ask assessor to pay tax to pay tax on income in previous year itself in previous year itself in previous year itself उसके बाद फुल स्टॉप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए लिखिए इज फॉर्म अ बी ओ आई इज फॉर्म टू डू अ बिजनेस इन नवरात्रि अ बी ओ आई इज फॉर्म टू अ बिजनेस फॉर्म फॉर अ बिजनेस टू फॉर टू आई फॉर्म टू डू अ बिजनेस टू डू अ बिजनेस टू डू अ बिजनेस इन नवरात्रि इन नवरात्रि 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 कौन से मंथ में थी इस बार नवरात्रि के ब्रैकेट में लिख लीजिए अक्टूबर आई थिंक नवरात्रि वॉज इन अक्टूबर ना अक्टूबर नवरात्रि दैट इज अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सर सेक्शन नहीं है इसका सेक्शन आपने नहीं लिखा क्या सेक्शन था ना सेक्शन था 174 ए सेक्शन 174 सेवेंटी ए लिखना था ठीक है ऊपर लिख लीजिए अगर भूल गए तो सेक्शन इसका याद भी नहीं रखोगे चलेगा कंसेप्ट याद रखना आप तो डू डू बिजनेस इन नवरात्रि दैट इज अक्टूबर टू टू एंड 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 डिजोल्व आफ्टर एंड डिजोल्व आफ्टर डिजोल्व आफ्टर नवरात्रि डिल्व आफ्टर नवरात्रि डिजोल्व आफ्टर नवरात्रि फुल स्टॉप इन दिस केस इन दिस केस इन दिस केस इन दिस केस ए मे आस्क एस्क एस्क टू बी ओ आई टू बी ओ आई AO may ask to BOI to pay tax, to pay tax, to pay tax in previous year 2223, in previous year 2022-23, in previous year 2223 for income earned in previous year 2223. फॉर इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री डन यो में आस्क टू बी आई टू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फॉर इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री डन चलिए अब एक बात समझना नेक्स्ट दो छोटे छोटे पॉइंट और है, बस एक पॉइंट नंबर है फोर और पॉइंट नंबर फोर क्या बोलता है बताए अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को यह लगता है कि भैया आप है ना आप दिवालिया होने वाले हो आप ऐसा आपने सुना होगा करके ठीक है बहुत बार ऐसा होता है इधर देखिए इधर देखिए एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 175 वो क्या बोलती है इनकम टैक्स ऑफिसर को यह लगता है कि आप जो है ना वो अपने डेरे समेटने वाले हो दिवालिया होने वाले हो ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा करके ठीक है ऐसा ये किसी कोई पूछ रहा है सर एओ ने नहीं बोला तो कोई बात नहीं बोल, बोलता है तो आपको करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं करना एओ अगर बोलता है तो करना पड़ेगा अदरवाइज आपको नहीं करना अब एक बात समझना सेक्शन 175 क्या बोलती है कि अगर बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि भैया अपन तो अब है ना दिवालिया होने वाले इंसॉल्वेंट होने वाले ठीक है, है दिवालिया होने वाले इंसॉल्वेंट होने वाले है तो वो बंदा फटाफट क्या करेगा फटाफट क्या करेगा कि अपनी जो असेट्स रहेगी ना वो किसी ना किसी को ट्रांसफर करेगा अस्सेट किसी ना किसी को क्या करेगा ट्रांसफर करेगा जैसे मान लो मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है ठीक है मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टीज है अब मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में आज मान लो मुझे लगा कि भाई साहब मैं तो अब जाने वाला हूं दिवालिया होने वाला हूं करके ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं फटाफट मेरी अस्सेट वगैरह है ना वो किसी को ट्रांसफर कर दूंगा मैं असेट है वो असेट किसी को ट्रांसफर कर दूंगा मैं फटाफट फटाफट ट्रांसफर कर दूंगा और फिर मैं दिवालिया हो जाऊंगा तो असेसमेंट ईयर में जाके तो मेरे पास में कुछ बचेगा ही नहीं ना असेसमेंट ईयर में जाके तो मेरे पास बाबा जी का कुछ कुछ टैक्स कुछ नहीं है तो अगर एओ को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है बीबी सर है अगर ये इनको देख के ही लग रहा है करके ठीक है कि ये बंदा जो है ये अवॉइड करने के लिए टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये क्या कर रहा है अपनी असेट वगैरह सब बेच रहा है ये टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी असेट्स वगैरह है सब इसको बेच बाच के निकलने वाला है ये असेट्स को बेच रहा है अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए टैक्स ना भरने के लिए ठीक है तो अगर एओ को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगा मुझे बोलेगा कि भाई साहब आप प्रीवियस ईयर में ही क्या कर दीजिए टैक्स भर दीजिए आप प्रीवियस ईयर में हाथों हाथ ये एसेट्स वगैरह बेचोगे हमको पता है क्या आप एसेट्स वगैरह बेच के चले जाओगे आप टैक्स अवॉइड कर लोगे तो उस केस में वो प्रीवियस ईयर में ही उसको बोलेगा कि भैया आप क्या करिए टैक्स भर दीजिए दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंट करके ठीक है तो देखिए एक बार इसको लैंग्वेज से पढ़ते हैं कि आईसीआई ने इसको कैसे दे रखा है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पे क्या दे रखा समझने की कोशिश करना इधर देखना समझने की कोशिश करना

और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि भैया फिर उसको टैक्स भरना ना पड़ेगा तो इसके लिए एओ उसको बोल सकता है एओ इसको बोल सकता है कि भैया अभी का अभी टैक्स भर दे और अभी का अभी तेरा रिटर्न फाइल कर इस साल का तो देखिए क्या लिखा हुआ एक बार इसको पढ़ते हैं फिर मैं और इसको और एग्जांपल देता हूं देखिए क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर अगर करंट असेसमेंट ईयर की बात करें करंट असेसमेंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर भाई करंट असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर इट अपीयर्स टू असेसिंग ऑफिसर अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है क्या लगता है दैट अ पर्सन इज लाइकली टू चार्ज चार्ज मतलब किसी असेट का चार्ज क्रिएट करना आपने लॉ में सीखा होगा ये करके ठीक है प्लेच करना चार्ज करना चार्ज क्रिएट करना या सेल कर रहे हो असेट को या ट्रांसफर कर रहे हो असेट को या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या अदरवाइज पार्ट थ कर रहे हो मीस आप कुल मिला के ट्रांसफर कर रहे हो आप असेट को किसी को दे रहे हो किसी को गिफ्ट कर रहे हो मेरे को पता है कि मैं दिवालिया होने वाला हूं तो मैं मेरी सब असेट किसको दूंगा मेरी बीवी को दे दूंगा मेरे बच्चे को दे दूंगा मेरे पहचान वालों को दे दूंगा तुमको दे दूंगा करके ठीक है और उससे क्या होगा फिर मेरे को टैक्स भरने के लिए मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं बोलूंगा मैं कुछ नहीं है मेरे पास करके ठीक है मैं तो दिवालिया हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया ऐसा हो सकता है ना तो देखिए क्या कर रहा है ये ऐसा कर रहा है एनी ऑफ इज असेट वो असेट्स को क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है सेल कर रहा है डिस्पोज ऑफ कर रहा है अदरवाइज किसी को दे रहा है करके गिफ्ट वगैरह में दे रहा है करके ठीक है और वो क्यों कर रहा है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स फॉर पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स मीन इनकम टैक्स एक्ट में वो लाइबिलिटी पे करने से बचना चाहता है कि मेरे को अब कुछ टैक्स वैक्स नहीं आएगा इसके लिए ऐसा कर रहा है द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड

चाहता है करके तो लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए सेक्शन 175 जैसा मैं बताता हूं लिखिए सेक्शन 175 सेक्शन 175 लिखिए पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स टू अवॉइड टैक्स लिखिए 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 इफ इट इज अपियर टू एओ इफ इट इज अपियर्स टू एओ इफ इट इज अपियर्स टू एओ अगर एओ को पता चल जाता है इफ इट इज अपियर टू एओ दैट एनी पर्सन दैट एनी पर्सन that any person likely to transfer likely to transfer if any person likely to transfer comma sale likely to transfer comma sale comma gift comma gift any of his asset any of his asset any of his asset any of his asset to avoid to avoid payment of any liability in income tax to avoid payment of any liability in income tax in income tax payment of any liability in income tax then ao may ask then ao may ask assessee to pay tax ao may ask to pay tax in assessment year itself assessee ao may ask assessee to pay tax sorry to यो में आस्क असेसिट टू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ मींस वो खुद ही उसकी इनकम निकालेगा और बोलेगा अभी का भी आप टैक्स भरिए और अभी का भी आप अपना रिटर्न फाइल करिए इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ डन अब एक बात समझता लास्ट सेक्शन और उसके बाद में ये कांसेप्ट कंप्लीट

तो डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस तो नॉर्मली क्या होता है अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है में जाके भरोगे, में आप करोगे. लेकिन हो चुका इस साल में तो आप एक काम करिए इसी प्रीवियस ईयर में आप टैक्स भर दीजिए आप जो है वो इसी प्रीवियस ईयर में क्या करिए टैक्स भर दीजिए इसी प्रीवियस ईयर में आप इस पर टैक्स भर दीजिए अगर आपका बिजनेस इस साल में डिसकंटिन्यू

टैक्स इन दैट ईयर मतलब एक बात बताओ पिछले प्रीवियस ईयर के लिए ये असेसमेंट तो प्रीवियस ईयर में, तो में टैक्स भरना पड़ेगा इसको बेटर प्रीवियस ईयर के चलेंगे देखो ये प्रीवियस ईयर है इस प्रीवियस ईयर में कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो इसी प्रीवियस ईयर में उस पर टैक्स भरने को आपको बोल दिया जाएगा तो लिखिए लास्ट पॉइंट सेक्शन वन देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन वन लिखिए हेडिंग दीजिए सेक्शन 176 76 लिखिए डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन डिसकंटिन्यूड बिजनेस लिखिए if any business or profession if any business or profession is discontinued in previous year if any business or profession is discontinued in previous year discontinued in previous year then 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 AO may ask SSC then AO may ask SSC AO may ask SSC to pay tax to pay tax to pay tax in previous year itself in previous year itself in previous year itself on the income earned on the income earn on the income earn in previous year, on the income earn in previous year, on the income earn in previous year. Take example likh Mr. Ravi Mr. Ravi discontinue his business. Mr. Ravi

in this case, AO may ask Mr. Ravi. In this case, AO may ask Mr. Ravi. AO may ask Mr. Ravi. AO may ask Mr. Ravi. AO may ask Mr. Ravi to pay tax to pay tax on income earned between.

इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इट्स एल्फ इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इट्स एल्फ चलिए अब आप इसके नीचे कुछ नोट्स लिखिए मैं नोट्स लिखा रहा हूं वो नोट्स लिखिए नोट्स लिखिए नोट्स लिखिए नोट नंबर वन और नोट नंबर वन में लिखिए इन इन ऑल द अबोव फाइव केसेस In all the above five cases, 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 assessee is required to pay tax, assessee is required to pay tax and file his income tax return and file his.

172 सेक्शन 172 दूसरा पॉइंट लिखिए सेक्शन 172 सेवेंटी टू मीन एनआर शिपिंग आप ऐसा ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए एनआर शिपिंग नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस सेक्शन 172 सेवेंटी टू इज मैंडेटरी सेक्शन इज मैंडेटरी सेक्शन मैंडेटरी सेक्शन बट अदर सेक्शन बट अदर सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली इफ अदर सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली इफ इट्स अपियर टू एओनली इफ इट इज अपियर्स टू ए ओ डिस्क्रशन है यस ओनली इफ इट इज अपियर टू एओ चलिए सेक्शन 172 जो था दैट वाज अ मैंडेटरी सेक्शन बट अदर सेक्शन आपको तभी लगेगा जब एओ को लगेगा क्योंकि आप देखेंगे ना बाकी हर सेक्शन में मैंने लिखा है एओ को लगेगा एओ को लगेगा एओ को लगेगा प्रियांशु बोल रहा है कि सर 175 सेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है 175 का एग्जाम्पल वो ही है, जैसे प्रॉपर्टी मेरे बात सुन आज इस साल मैंने इनकम कमाया मैं क्या करता हूं इस साल मैं इनकम कमा रहा हूं और मैं जो प्रीवियस ईयर में यहां पे मैं कुछ बेच बाज के सब निकलने वाला हूं मैं सब बेच बाज के निकलने वाला हूं और मैं टैक्स अवॉइड करने के लिए सब मेरी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता हूं और मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूं तो इसी साल में मुझे बोला जा सकता है कि अभी अभी आप टैक्स भरो क्योंकि आप ऐसा करने वाले हो उनको लगता है कि आप ऐसा करने वाले हो करके ठीक है तो अभी का अभी आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स भरना पड़ेगा नोट नंबर टू में एक बात बताओ एनआर वाला जो शिपिंग वाला बिजनेस था ना वो मैंडेटरी था कि भैया इंडिया छोड़ के जाओगे तो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना ही भरना है लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट आपने लिखे ना उसमें हर जगह मैंने एओ लिखवाया कि अगर एओ को लगता है तो एओ में एओ को अपीयर्स होता है तो तो सेक्शन 172 में तो ऐसा नहीं है सेक्शन 172 में तो इंडिया में टैक्स भर के जाना ही जाना है करके ठीक है जाना ही जाना है इंडिया में टैक्स भर के बट बाकी चार सेक्शन में सिर्फ एओ को लगता है तो ऐसा करना है अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर एओ को लगता है तो ऐसा करना है अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है चलिए अब आप एक काम करिए आपकी बुक पे आइए अगर आपके पास बुक है तो, तो आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं तो देखिए बेटा यहां पे ये क्वेश्चन नंबर सेवन दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर मैंने करा लिया अभी आपको देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका हो चुका था करके ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं सेवन वही वाला है कि स्टेट एनी फोर इंस्टेंस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज इन प्रीवियस ईयर ईयर ऑफ द असेसमेंट आप ऐसे चार केस बताइए कि के जिसमें आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा तो मैंने आपको पांच केस बताए इसमें से ये चार केस करके ठीक है अब एक बात समझना असएसी कौन होता है उसकी डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई थी उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं अससी की डेफिनेशन में क्या आएगा तो चलिए आ जाइए सब लोग इज द एससी सर अस कौन माना जाता है असएससी की डेफिनेशन क्या है इधर ध्यान देना करके फिर मैं आपको थोड़ा थेरी और बचाए फिर मैं ब्रेक दे रहा हूं और ब्रेक के बाद सीधा प्रैक्टिकल पे जाएंगे assessi की डेफिनेशन में कौन आएगा तो बाबू देख सी की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था एक सेक्शन होती है टू क्लॉज नंबर सेवन जो ये बोलती है असएससी मीन अ पर्सन होम एनी टैक्स कोई भी टैक्स पे करना है या एनी अदर सम ऑफ मनी एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है पता है एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब होता है सम ऑफ मनी का मतलब या तो उसको कोई पेनल्टी पे करना है अगर आपके पास बुक है तो लिख लीजिए या उसको कोई इंटरेस्ट पे करना है करके ठीक है तो अगर किसी को या तो इनकम टैक्स में कोई टैक्स पे करना आता है या फिर आपका इनकम टैक्स में कोई भी पेनल्टी पे करना आता है या फिर आपका जो इनकम टैक्स में कोई इंटरेस्ट पे करना आता है तो वो कौन बन जाएगा असेसी बन जाएगा एक बात समझना ये असएससी की डेफिनेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो असएससी की डेफिनेशन में और जोड़े गए कुछ लोग ऐसे हैं जो असएससी की डेफिनेशन में और जोड़े गए मीन्स या तो पहला क्या बोला एस का मतलब एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स और एनी अदर सम इन द इनकम टैक्स दैट इज कॉल अब तो असेसी का मतलब इफ एनी पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नाइन कॉल सी लेकिन असेसी की में, guys, कुछ और लोगों को जोड़ा गया सर किस किस को जोड़ा गया तो यहां पे तीन पॉइंट ऐसे और है जो एस की डेफिनेशन में आ जाएंगे सबसे पहला एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट है Proceeding का मतलब क्या होता है सर एक बात बताइए आप बोल रहे हो कि कोई भी person ऐसा है 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 जिसकी कोई कोई चालू कर दी है, प्रोसेडिंग, ये प्रोसेडिंग क्या होता होता एक बात का मतलब होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट आपके सामने कोई केस चालू करता है केस का मतलब है होता है कि आपका कोई assessment चालू कर दिया प्रोसीडिंग क्या हो सकती है उसका एक दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों आप कोई टैक्स नहीं भरना आप आपको कोई टैक्स नहीं भरना करके ठीक है लेकिन मान लो आपके पास में दो पैन कार्ड है अब ये दो पैन कार्ड होना ये भी अपने आप में एक क्या है जुर्म है करके ठीक है आपके पास दो पैन कार्ड नहीं होने चाहिए आपके पास पैन कार्ड एक ही होना चाहिए करके ठीक है आपके पास जो है वो पैन कार्ड एक ही होना चाहिए बट आपके पास में मान लो दो पैन कार्ड है करके ठीक है या फिर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर हुआ क्या एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक और चीज समझता हूं एक और चीज समझाता हूं क्या हुआ क्या जैसे मान लो आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा नहीं है मीन्स आप लोगों की इनकम है वो इनकम बेसिक एग्जेमिशन से ज्यादा नहीं है मीन आपकी इनकम है वो सिर्फ दो लाख है एक बंदा है जिसकी इनकम है वो दो लाख है दो लाख इनकम है किसी बंदे की जिसका नाम है मिस्टर रवि रवि की इनकम दो लाख है तो इसको इनकम टैक्स तो भरना ही नहीं है क्योंकि ढाई लाख से ऊपर इनकम होती है तो इनकम टैक्स भरना है बट बाद में है ना एओ को पता चला करके ठीक है एओ को पता चला कि ये दो लाख तो वो वाली इनकम है डीम्ड इनकम जो हमने पढ़ी अभी कि आपका कैश क्रेडिट हुआ है और आप उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाओ आप उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाओगे तो उस केस में एओ क्या करेगा प्रोसीडिंग चालू करेगा मीन्स आपको आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है आपने इनकम टैक्स भरा ही नहीं बट एओ को पता चल गया एओ को पता चल गया कि भैया आपकी जो इनकम है ये तो डीम्ड इनकम है इस पर तो टैक्स लगना चाहिए 78 इस पे तो कोई बेसिक एक्जन मिलती ही नहीं अपन आज पढ़ेंगे ब्रेक के बाद कि कौन कौन सी इनकम के सामने आप बेसिक एग्जेमशन नहीं ले सकते वो अपन आज पढ़ेंगे तो एओ को पता चला तो एओ क्या करेगा आपकी प्रोसीडिंग चालू करेगा कुल मिलाकर प्रोसीडिंग का मतलब आप ये समझिए असेसमेंट चालू कर दिया आपका तो एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग के पास में अगर आपके पास बुक है तो आप लिख सकते हैं एनी असेसमेंट चालू कर दिया उसने असेसमेंट चालू कर दिया केस चालू कर दिया करके केस केस लिख सकते हैं आप केस भी लिख सकते हैं हैं असेसमेंट भी लिख सकते वो चालू किया अंडर द एक्ट हैज टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ वो असेसमेंट किसका कर रहा है आपका केस उठा लिया उसने किसका या तो आपकी खुद की इनकम का या इनकम ऑफ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेबल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज इसका मतलब क्या होता है कि एक बात बताओ मेरी कोई इनकम नहीं है बट मेरे बेटे की इनकम है मेरा छोटा सा बेटा है नन्ना मुन्ना राई पांच साल का उसकी इनकम है बट उसकी इनकम तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी तो उसकी इनकम के लिए मेरे हाथ में असेसमेंट चालू कर दिया मेरा केस चालू कर दिया कि भैया आपके बेटे की इनकम है आपने टैक्स नहीं भराया तो प्रोसीडिंग चालू कर दी तो मैं अससी बन गया तो यहां पे जो इनकम है ना वो इनकम मेरी इनकम का असेसमेंट हो रहा है या मेरे बेटे की इनकम का असेसमेंट हो रहा है बेटा क्यों क्योंकि यहां वर्ड क्या यूज किया है द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन ऑफ ऑफ ही इज आई एम फॉर द इनकम माई सन तो इनकम मेरी सन की थी उसकी इनकम से रिलेटेड मेरा असेसमेंट हो रहा है या फिर द लॉस सस्टेन बाय हिम और सच अदर पर्सन या लॉस का असेसमेंट हो रहा है लॉस हुआ था और लॉस का असेसमेंट हो रहा है मिस मेरा केस खोल दिया उन्होंने करके या फिर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन मेरा कोई इनकम टैक्स में रिफंड बन रहा है और वो रिफंड मुझे मिलने वाला है रिफंड का असेसमेंट हो रहा है तो कुल मिला के आप इसको ऐसे समझेंगे कि किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई तो वो भी माना जाता है तो पहला तो मैंने क्या बोला था एनी 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 पर्सन पर्सन हु इज इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टैक्स और और अदर सम इन द इनकम एक्ट दैट दूसरा किसी का केस खुल गया मींस किसी के अगेंस्ट इफ एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड आप ऐसा याद रख सकते हैं एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड देन दैट पर्सन विल आल्सो बी ट्रीटेड एज द दसी एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एस अंडर द

तो उसने बोला नोटिस भेजा तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को और बोला बालाजी आ जाओ अब आपको लगता है तिरुपति बालाजी भगवान जाएंगे वहां पे भगवान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे क्या अपना असेसमेंट करने के लिए भगवान तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे ना भगवान तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे तो कौन जाता है वहां पर वहां पर जाते हैं ट्रस्ट के ट्रस्टी जो ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्टी वहां पे जाते हैं केस लड़ने के लिए तो वो ट्रस्टी जो है ना वो भी तुम्हारे डीम टू बी एस माने जाते हैं तो जो ट्रस्टी है वो भी डीम टू बी एस माने जाते हैं तो यहां पे आप लिख लीजिए एवरी पर्सन हुम टू बी एस अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट

दस मिनट का ब्रेक और दस मिनट के ब्रेक के बाद में हम चालू करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पार्ट इंटरेस्टिंग वाला सर कहां चले गए आप कहाँ चले गए आप चलिए सर ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया ना एक दो मिनट ज्यादा हो गया एक्सेस हो गया मैं कुछ खा रहा था इसके लिए इडली खा रहा था इडली चलिए एवरी इज विजिबल या सो सर आप एक बात बता दीजिए इस बार आप बोल रहे थे नवंबर 22 में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से वो क्या क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं तो देखिए ये नवंबर 22 का मेरे पास पेपर है तो ये पेपर जो मैं भी एक दिन देख रहा था अभी तो मेरे को पता चला क्वेश्चन था मैं आपके सामने बता देता हूं वो क्वेश्चन कौन सा था ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर का लोग फोर वाले को ऑप्शन में छोड़ते थे बहुत बार क्योंकि वन जो रहता है, रहता है है वो मैंडेटरी टू थ्री फोर में से आपको दो करने रहते हैं टू थ्री फोर में से आपको दो करने रहते हैं उसके बाद आईडीटी चालू हो जाता है यहां से आपका आईडीटी चालू हो जाता है तो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर फोर का फोर का ए बी सी सी वाला पार्ट था सी वाला पार्ट था जो इसी टॉपिक से था चार मार्क का क्वेश्चन था और जो अपन ने अभी पढ़ा ना वो वाला क्वेश्चन था मुश्किल पेपर था या इजी था मैं बताऊं का का पेपर पेपर मुश्किल मुश्किल आता आता है है बट डोंट वरी मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको मैं एक ही चीज कराता मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराता हूं ठीक है तो मैं आपको प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा ये आप बोल सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा और इस बार तो मैं आपको टेस्ट भी बहुत सारे ले लूंगा ठीक है तो मेरा एक ही बिकॉज आते प्रैक्टिकल है आप देखोगे थियरिटिकल क्वेश्चन है ना एक दो मिलते एक तो ये छोटा वाला थियरिटिकल इस पे, पूरे पेपर में आप देखोगे थियरिटिकल क्वेश्चन एक दो थे छोटे छोटे बाकी सब प्रैक्टिकल है ये देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है करके ठीक है फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थेटिकल छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं करके ठीक है कर तो जैसे ये जो क्वेश्चन था ये क्या क्वेश्चन था देखिए ये ऐसे क्वेश्चन चार मार्क का आया था मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं भरोसा रखिए मैं जैसा बोलता हूं वैसा करिए इजीली क्रैक कर पाओगे टैक्स का पेपर नो डाउट डिफिकल्ट है मार्केट में आप बोलोगे तो देखोगे तो डिफिकल्ट पेपर रहता है टैक्स का बट इसमें एक ही चीज है क्या है ना आपको साथ साथ में करना पड़ेगा जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करिए बस आपको मैं जो बोलता हूं वो फॉलो करिए जितना मैं बोलता हूं उतना होमवर्क करिए जितना मैं पढ़ाता हूं उस पर आप ढंग से ध्यान दे दीजिए करिए आराम से हो जाएगा डोंट वरी ठीक है चलिए देखिए एक पेपर है और इसका एक क्वेश्चन नंबर सी है देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा है हाँ। मतलब पेपर डीटी का तो इजी था इस बार डीटी का मतलब ऐसा इजी मतलब एवरेज था बट जीएसटी का डिफिकल्ट था इस बार हर बार डीटी का डिफिकल्ट आता है इस बार जीएसटी का तो ज़्यादा है डिफिकल्ट आ पढ़िए मिस्टर टिल रिसेंटली वॉज रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली बंदा बिजनेसमैन था और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था स ही ऑप्टेन द पैन कार्ड उसने जब से पैन कार्ड ले रखा था तब से हर साल इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करता था ड्यूरिंग द कोविड पेंडामिक पीरियड हिज बिजनेस सफर सेवरिली एंड ही इंकर दूज लॉसेज कोविड में बेचारे को लॉस हो गया he was not able to continue his business and finally on the first January 2022 ये क्वेश्चन last year का है क्योंकि एक बात बताओ जब last year की बात होती है तो last year का इसके लिए क्वेश्चन है तो का है तो November 2022 एग्जाम के लिए अपना previous year 21 बाईस हुआ करता था और असेसमेंट ईयर बाईस तेईस था तो प्रीवियस ईयर 21 बाईस असेसमेंट ईयर बाईस तेईस उस ईयर की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर बाइस तेईस था लेकिन इसमें हुआ क्या अबाउट द क्लोजर ऑफ द बिजनेस उसने क्या किया फर्स्ट जनवरी दो हजार बाईस को अपना बिजनेस क्लोज कर दिया तो प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में उसने क्या कर दिया अपना बिजनेस क्लोज कर दिया इक्कीस बाईस में उसने बिजनेस अपना क्लोज कर दिया करके ठीक है अब हुआ क्या

तो एक बात समझिए इसने बोला अभी टैक्स भर दीजिए इट टैक्स भर दीजिए the पावर टू डू सो क्या एओ के पास ऐसा पावर है कैसा नोटिस भेज सकता है आपको और बोल सकता है कि इसी साल टैक्स भर दो पैसा कमा रहे हो इसी साल हो इसी साल आप टैक्स भर दो आर are are exceptional आर एनी एक्सेप्शनल टू द जनरल रूल of इज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज assessment इन following the प्रीवियस ईयर मीन क्या ऐसा बोला सकत, बोला जा सकता है क्या ऐसी कोई एक्सेप्शनल केसेस है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज अड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर मीन असेसमेंट ईयर में टैक्स ना लग के प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाए क्या ऐसे कोई एक्सेप्शन है वो आपको बताना है चार मार्क का क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल क्वेश्चन जो बहुत ईजी था और सब लोगों ने यही वाला क्वेश्चन किया ये वाला क्वेश्चन लोगों ने सी वाला पार्ट छोड़ा होगा करके ठीक है क्योंकि पहला टॉपिक है लोगों ने बोला यार ये थ्योरी कैसे याद रखे तो एक बात समझना इसमें क्या लिखना है अगर एग्जाम में ये चार मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे सेक्शन याद है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं एज पर द इनकम टैक्स लॉ आप ऐसा लिखोगे एज पर द इनकम टैक्स लॉ इफ एनी बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर दैट असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर दैट असेसिंग ऑफिसर मे सेंड द नोटिस टू द अस एंड आस्क हिम टू पे द टैक्स एंड फाइल द रिटर्न इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ इन द प्रीवियस ईयर इट्स आपकी दो लाइन हो गई करके दो तीन लाइन इसमें चली जाएगी फिर आप लिखोगे कि यस देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस वेयर वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इट्स नॉर्मल रूल इज द इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इड एंड आप दो तीन लाइन हर हर पॉइंट के लिए एक एक लाइन भी आप लिख लोगे जैसे आपने चार मान लो पांचों पॉइंट आपको याद नहीं है आपने चार पॉइंट लिख लिए तो भी चलेगा पहला पॉइंट क्या शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट सिर्फ इतना एक लाइन में लिख लिया चार मार्क का क्वेश्चन है क्या लिखोगे आप कम से कम आठ सात आठ लाइन लिखोगे उससे ज्यादा क्या लिखोगे आपको पूरा दो दो पेज थोड़ी लिखोगे उसके लिए चार मार्क का क्वेश्चन है आप कम से कम आठ नौ लाइन है उसमें आपका कहा जाता है

आज प्रैक्टिकल पार्ट आज प्रैक्टिकल पार्ट वापस चलते हैं अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे टैक्स रेट पे क्योंकि अपन इतने टाइम से थ्योरी थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो चलो हम आपको आज सिखाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट करके ठीक है और प्रैक्टिकल पार्ट में अब एक बात समझिए आप लोग अगर आपके पास में जो पेज है वो पेज पे पूरा एग्जांपल अगर आपके पास पेज पे आधा पेज से ज्यादा हो चुका है मींस आधा पेज से ज्यादा भर गया है तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे और अगर मान लो आधा पेज है आपके पास आधा या आधे से कम भरा है तो आप उसी पेज पे लिखेंगे और आप हेडिंग दे दीजिए स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स आप हेडिंग दे दीजिए स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स अपन ने उस दिन पढ़ी थी जनरल रेट ऑफ टैक्स आज पढ़ेंगे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फिक्स आधा है तो उसी पेज पर पे लिख लो हैडिंग दे दो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स अब आप बोलोगे ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स क्या होती है स्पेशल रेट्स ऑफ़ टैक्स तो आपको उस दिन हमने पढ़ाई थी जनरल टैक्स रेट जनरल रेट ऑफ टैक्स आज हम कुछ पढ़ेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में आप एक काम करिए जैसा मैं बोलता हूं वैसे आप लिख लीजिए यहां सीरियल नंबर कितनी कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है वो लिखवाऊंगा यहां पे नेचर ऑफ इनकम और यहां पे लिखिए टैक्स रेट टैक्स रेट टैक्स रेट सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर में और यहां पे नेचर ऑफ इनकम के साथ में आप सेक्शन भी लिखी लीजिए यहां लिख लीजिए सेक्शन सेक्शन नेचर ऑफ इनकम एंड टैक्स रेट आप लिखिए सीरियल नंबर वन में सीरियल नंबर वन में सेक्शन लिखिए वन वन टू मीन एक सौ बारह और एक सौ बारह में लिखिए एक सौ बारह में लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको ब्रैकेट में अपन बोलेंगे बार बार एल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर टैक्स रेट आती है ट्वेंटी परसेंट यह क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट उसके बाद दूसरा लिखिए सेक्शन वन वन टू ए करके वन वन टू ए और इसमें भी लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आप बोलोगे ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं करके ठीक है इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला मैं सिर्फ आपके लिए अभी लिख रहा हूं ये क्या होता है मैं पूरा कैपिटल गेन में पढ़ा लूंगा शेयर मार्केट वाला अब ऐसा लिख लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला ब्रैकेट में जिसकी सेक्शन है वन वन टू ए और इस पर टैक्स लगता है दैट इज टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ वन लाख रुपीज मींस एक लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर वाले पे दस परसेंट टैक्स लगता है टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ वन लाख रुपीज जिसको हम एलटीसी जी वन वन टू ए बोलेंगे बार बार एलटीसीजी वन वन टू ए में शेयर मार्केट वाला तीसरा लिखिए तीसरा लिखिए सेक्शन ट्रिपल वन ए एक सौ ग्यारह ए सेक्शन नंबर एक सौ ग्यारह ए और इसमें लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लिख लीजिए शेयर मार्केट वाला और इसमें टैक्स रेट रहेगी आपकी सी तक पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट उसके बाद चौथे नंबर पे एक सेक्शन लिखिए वन वन फाइव बीबी वन वन फाइव बीबी और वन वन फाइव बीबी में लिखिए विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस एक्सेट्रा एक्स हॉर्स रेसेस रेसे एक्सेट्रा इस इसपे टैक्स लगता है तीस परसेंट की रेट से और लास्ट पांचवा अपन ने कल पढ़ा था वन वन फाइव बी बी ई करके जो डीम्ड इनकम होती है सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन ए सिक्सटी नाइन बी 69C अब इतना सारा क्यों लिखो मैं ऐसा ही लिख लेता हूं ना अंडर सेक्शन 68 एट टू सिक्स इस पे टैक्स रेट रहती है 60 परसेंट इस पे टैक्स रेट रहती है 60 परसेंट बस ये स्पेशल रेट है जो आपके सिलेबस में है बाकी स्पेशल रेट सब सी फाइनल में आएगी करके ठीक है ये स्पेशल रेट है जो आपके सिलेबस में है. इसको चाहिए तो आप टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हैं ये कुछ स्पेशल रेट्स है जो आपके सिलेबस में है चलिए हाँ इफेक्टिव रेट वो साठ का अठहत्तर हो जाता है वो एक आप ध्यान रखिए वो मैंने वहां लिखवा चुका हूं बीबी में इफेक्टिव रेट बाकी आप अभी रुकिए बाकी आप रुकिए प्लीज बाकी, आप बाकी आप अब आप रुकिए चलिए अब आप इधर देखिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए मैंने आपको पहले नॉर्मल टैक्स रेट पढ़ाया था नॉर्मल टैक्स रेट का मतलब होता है जनरल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट क्या क्या थी अगर आपको याद रहेगा फटाफट अपन साथ-साथ में रिवाइज करते हैं दोनों करके ठीक है सबसे पहले इंडिविजुअल के, के केस में जनरल टैक्स रेट बताइए तो इंडिविजुअल के केस में जनरल टैक्स रेट इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इनके केस में जनरल टैक्स रेट क्या था अप टू 250000 डैश पे डैश 250 टू 5 लाख 5% 5 लाख टू 10 लाख 20% मोर देन 10 लाख 30% इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जिसकी एज सिक्स मेंसेंट मोर देन टेन लाख थर्टी परसेंट अब एक बात समझना जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज इयर्स और मोर उसके लिए फाइव लाख बेसिक एक्समशन फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लाख थर्टी परसेंट उसके बाद इनमें सरचार्ज भी लगता था सरचार्ज कैसे ये वाली रेट से लगता था अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो एक करोड़ तक है तो 10 परसेंट एक करोड़ से दो करोड़ है 15 परसेंट दो करोड़ से पांच करोड़ है 25 परसेंट पांच करोड़ से ज्यादा है सैतीस परसेंट और हेल्थ एंड एजुकेशन से है चार परसेंट उसके बाद अपन ने यहां पे देखा था उसके बाद मैंने आपको टैक्स रेट पढ़ाई थी कंपनी कंपनी की तो के लिए टैक्स रेट क्या लगता था तो कंपनी के लिए टैक्स रेट में मैंने आपको बताया था मान लो चार सौ करोड़ तक है तो पच्चीस परसेंट अदरवाइज तीस परसेंट फॉरन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम एक करोड़ से ज्यादा टू टेन करोड़ है तो सात अगर टेन करोड़ से ज्यादा

जनरल रेट आज मैं आपको बता रहा हूं स्पेशल रेट अब आप बोलोगे स्पेशल रेट क्या होती है देखो हमारे इनकम टैक्स में कुछ इनकम ऐसी होती है ना चिराग जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है उसके लिए स्पेशल रेट दे रखी है ठीक है क्या स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होगी स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होगी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी सर कौन कौन सी रेट है करके ठीक है ये स्पेशल रेट्स आपको याद हो जाएगी आगे जाते जाते ये स्पेशल रेट्स है ना ये आपको सब याद हो जाएगी आगे जाते जाते सबसे पहला मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है मैं आपको बताऊं अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो एक चीज तो बेटा है ना प्लीज ध्यान रखो आप लिखा मत करो क्या होता है ना मैं देख ही नहीं पाता हूं आप लिखते हो ना मैं देख ही नहीं पाता हूं फिर क्या होता है आपको भी लगेगा मैंने लिखा था मेरे को मतलब ये, सर ने रिप्लाई नहीं किया आप उस चीज को समझिए मैं जो पढ़ा रहा हूं आप मेरी वर्ड्स तो सुनिए पहले एक बार आप सुनिए चुपचाप है चुप ना कीबोर्ड को यूज ही मत करिए कीबोर्ड आप साइड में रख लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप सुनिए करके ठीक है कर आप सिर्फ सुनिए अपने दिमाग में डालिए फिर क्या होता है या तो मैं आगे जाके बताने वाला होता हूं या फिर मैं बता चुका होता हूं उसमें फिर आपका डाउट आ जाता है उसी पॉइंट पे तो आप सुनिए आराम से सब चीजें समझ आएगी देखिए सबसे पहले एक सेक्शन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेक्शन वन वन टू ये बोलती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है पता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा इसके बारे में इन डिटेल हम कैपिटल गेन टॉपिक में पढ़ेंगे अभी तक के लिए आप यह समझिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन प्रॉपर्टी आपने लॉन्ग टर्म तक होल्ड की थी और उसके बाद आपने उसको बेच दिया तो उस उसपे आपको टैक्स लगता है बीस परसेंट की रेट से ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगता है उस उसपे जो आपको टैक्स लगता है वो ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगता है जैसे आपका घर है आपने अगर मान लो अबू जी ने पापा जी ने अपना घर बेचा फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास दस घर थे आपने एक घर बेच दिया तो घर बेचा उस उसपे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे आपका बीस परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा सिर्फ ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा दूसरा एक सेक्शन होती है वन वन टू ए वो ये बोलती है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे शेयर मार्केट वाले ट्रांजेक्शन पे आपने सुना होगा ये बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसमें अपन शेयर ट्रेड करते हैं मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए थे रिलायंस के और वो अगर लॉन्ग टर्म है मैं उसको मैंने ज्यादा पीरियड के लिए रखा है अब आप बोलोगे ज्यादा पीरियड कितना होता है एक साल दो साल तीन साल मैं कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट वाला शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ उसपे है ना टेन की रेट से टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ द वन लैक स वन लेख से जितना ज्यादा वाला इनकम रहेगा उस पर सिर्फ टेन परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा मिन्स वन लैख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा वन लैख से ऊपर वाले पे टेन परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा तीसरा अगर ट्रिपल वन ए एक सेक्शन है वो बोलती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट वाला अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द वन लैख और शॉर्ट टर्म हुआ तो सिर्फ पंद्रह परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म का मतलब आपने ज्यादा टाइम रखा नहीं है जा आपने ज्यादा टाइम नहीं रखा है आपने क्या किया मान लो थोड़े टाइम ही रखा है इसमें टाइम में आपको वहां जाके बताऊंगा एक साल का टाइम होता है एक साल के अंदर अंदर आपने शेयर बेच दिए तो आपको पंद्रह परसेंट रहेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेसेस वगैरह है उससे आपको थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा और डीम्ड इनकम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डीम्ड इनकम पे साठ परसेंट की टैक्स रेट रहती है उसमें सरचार्ज भी अलग है पच्चीस परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा है वो आपका

एग्जाम्पल वन और लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर हरी एज थर्टी टू ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेड बाय हरी टैक्स पेबल बाय हरी एज थर्टी टू ईयर्स उसकी कुछ इनकम दे रखी है उस पर आपको टैक्स निकालना है देखिए टैक्स कैसे निकालेंगे तो पहले मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं कुछ इनकम दे रखी है लिखिए सबसे पहले उसका कुछ इनकम दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी से सैलरी की इनकम उसका जो हुआ वो उस साल में मान लो सात लाख रुपया है सैलरी का इनकम सैलरी का इनकम सात लाख उसके बाद दूसरा दे रखा है कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम वो भी कंप्यूट करके दे रखा है तीन लाख रुपया उसके बाद लिखिए मान लो उसका कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला हुआ 112 ए नहीं लिखा मैंने 112 सेल ऑफ लैंड उसने कोई लैंड बेचा था उस पर दो लाख का हुआ उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए ये कोई शेयर्स वगैरह पे हुआ वो हुआ है मान लो चार लाख का उसके बाद उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन ए शेयर्स पे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है दो लाख पचास हजार और उसका मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है विनिंग फ्रॉम लॉटरी है वो मान लो सत्तर हजार है आपसे बोला है उसका टैक्स निकालना है आपसे बोला है उस उसपे टैक्स लग निकालना है आपसे ये पूछा ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसकी सैलरी की इनकम सात लाख है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस है वो सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो तीन लाख है एल टी सी जी वन वन टू वाला है बीस परसेंट वाला वो दो लाख है वन वन टू ए वाला है वो आपका चार लाख है ट्रिपल वन वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ढाई लाख है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है वो सात लाख है तो चलिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसकी टोटल इनकम निकालेंगे टोटल इनकम ठीक है टोटल इनकम कैसे निकालते हैं तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ टोटल इनकम हमेशा आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे एसस्सी का नाम दैट इज मिस्टर हरी और साइड में लिखेंगे 22, प्रीवियस ईयर बाईस तेईस असेसमेंट ईयर तेबिस प्रीवियस ईयर बाईस तेईस असेसमेंट ईयर तेबिस चौबीस हमारे इनकम टैक्स में पांच हेड होते हैं तो पांच हेड को अलग अलग लिखेंगे आप हमारे इनकम टैक्स में पांच हेड होते हैं तो पांच हेड को आप अलग अलग लिखेंगे चलिए सबसे पहले आपने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी उसके बाद आपने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आपकी इनकम जो है वो कितनी है सैलरी की आपकी सात लाख है हाउस प्रॉपर्टी की आपकी तीन लाख है उसके बाद बिजनेस है नहीं कोई कैपिटल गेन की इनकम है आंसर इज यस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और कैपिटल गेन की इनकम में बहुत सारे हैं एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू वाला है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाला है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वाला है तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू वाला कितना है दो लाख चार लाख और ढाई लाख तो ये तुम्हारा दो लाख है ये तुम्हारा चार लाख है और ये तुम्हारा ढाई लाख है तो टोटल हो गया आठ लाख पचास हजार चार और छह आठ आठ लाख पचास हजार अब एक बात समझना विनिंग की लॉटरी की इनकम अदर सोर्सेज में जाती है विनिंग कोई सैलरी तो है नहीं हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है बिजनेस भी नहीं है विनिंग का कैपिटल गेन तो कैपिटल असेट बेचते तब होता है तो वो तो है नहीं तो यहां पर अदर सोर्सेज में जाती है तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग्स और विनिंग्स कितनी है सेवेंटी थाउजेंड ये आपका विनिंग आ गया सेवेंटी थाउजेंड अब एक बात समझते हैं पांचों हेड की जो टोटल होती है ना इनकम की इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम इसको करिए ग्रॉस टोटल इनकम सेवन लाख प्लस थ्री लाख ,00 प्लस एट लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस सेवेंटी थाउजेंड तो ये आ गया आपका नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब इसमें से आप क्या करेंगे डिडक्शन अगर कुछ मिलते हैं तो लेस करेंगे अभी डिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है ठीक है ये डिडक्शन क्या होता है एग्जामिशन क्या होता है मैं सब बता दूंगा आप रुक जाइए थोड़ी दिन अंडर चैप्टर सिक्स ए तो अंडर चैप्टर सिक्स ए के कोई डिडक्शन मिलते हैं तो ले लेंगे इसमें कुछ नहीं है तो nil तो यही तुम्हारी आएगी टोटल इनकम इसको बोला जाएगा टोटल इनकम या इसको बोल सकते हो आप नेट टैक्सेबल इनकम या इसको शॉर्ट में बोलेंगे एनटीआई टी आई नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब इस नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पे हम निकालेंगे टैक्स सेवन लैख कहा है सेवेंटी थाउजेंड ही तो था सही तो है अच्छा सेवन लैक ,00 लिखवाया था इसको इसको सेवेंटी थाउजेंड कर दो इसको 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 विनिंग का इनकम सेवेंटी थाउजेंड लिख लो डिडक्शन के बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर यूसी यू सी करके हुआ अंडर एक चैप्टर होता है सिक्स ए उसमें मिलता है सिक्स ए सिक्स रोमन में लिखा है और ए अंडर चैप्टर सिक्स ए भाई साहब एक बंदे ने टैक्स भी निकाल दिया चलिए अब आप इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे तो जब आपकी ऐसे अलग अलग इनकम होती है कुछ स्पेशल रेट्स की इनकम है बाकी नॉर्मल रेट्स की इनकम है तो इस पर टैक्स कैसे निकालना उसका मैं एक आपको फॉर्मेट बनवाता हूं वैसे आपको टैक्स निकालना है ठीक है टैक्स कैसे निकालेंगे इधर देखिए अब हमको टैक्स निकालना है यहां पे तो टैक्स कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर लेंगे सीरियल नंबर ले लीजिए सीरियल नंबर उसके बाद आप ले लीजिए नेचर ऑफ इनकम भाई आपकी इनकम कौन सी है नेचर ऑफ इनकम उसके बाद यहां पे ले लीजिए आपकी टैक्स रेट कौन सी है करके ठीक है उसके बाद आप ले लीजिए इनकम का अमाउंट कितना है और उसके बाद आप ले लीजिए टैक्स का अमाउंट कितना है

आपका एस टी सी जी ट्रिपल वन ए वाला जो है वो कितना है ढाई लाख रुपया है उस पर टैक्स लगता है पंद्रह परसेंट की रेट से और वो ढाई लाख रुपया है उसके बाद आपका विनिंग्स का इनकम और है और विनिंग्स की इनकम पे तीस परसेंट टैक्स लगता है वो आपका सेवेंटी थाउजेंड है और उसके बाद जो बचा इसको आप बोल दीजिए बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम ये आपकी बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम है बैलेंस एनटीआई एनटीआई का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम और इस पे टैक्स लगेगा आपका बाबू स्लैब रेट से इस पे जो आपका टैक्स लगेगा वो आपका स्लैब रेट से लगेगा तो आपके पास टोटल नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का इनकम है इसमें से देखिए दो लाख ये रहा चार लाख ये रहा ढाई लाख ये रहा सत्तर हजार ये रहा तो बचा कितना तो अपन क्या करेंगे नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस दो लाख माइनस चार लाख माइनस ढाई लाख माइनस सत्तर हजार तो बचा दस लाख ये दस लाख आपका जो इनकम है इसको अपन बोलेंगे बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम बैलेंस नेट टैक्स वीआईएस नहीं है वो अंडर चैप्टर है करके वीआईएस नहीं है ये अंडर चैप्टर है करके ठीक है यू स्लैश सी यू स्लैश सी विनिंग की इनकम सात लाख नहीं सत्तर हजार थी हाँ सत्तर हजार थी चलिए अब आप एक काम करिए इस पे टैक्स निकालते हैं कैलकुलेटर लीजिए बड़ा सिंपल है एल अंडर सेक्शन वन वाले पे ट्वेंटी की रेट से टैक्स लगाना है तो दो लाख पे निकालिए ट्वेंटी तो दो लाख पे आप ट्वेंटी परसेंट टैक्स कितना आएगा तो दो लाख का ट्वेंटी परसेंट कम्स टू फोर्टी थाउजेंड हा भाई दो लाख का ट्वेंटी उसके बाद वन वन टू ए वाला जो टैक्स है एक बात बताओ वन वन टू ए वाला एलटीसीजी टेन परसेंट टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ वन लाख तो मेरे को बताओ चार लाख पे टैक्स लगेगा या तीन लाख पे लगेगा राइट आंसर इज आपका तीन लाख पे लगेगा ना तीन लाख ,00 पे लगेगा एक लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा एक लाख पे तो टैक्स नहीं लगेगा तो यहां पे आप क्या करेंगे तीन लाख ,00 पे टैक्स लगाएंगे तो तीन लाख पे टैक्स लगा आपका तीस हजार आ गया यहाँ पे तीस हजार आ गया तीस हजार आ गया तीस हजार क्यों आया क्योंकि आपने टैक्स है वो सिर्फ तीन लाख ,00 पे लगाया दैट इज तीन लाख मल्टीप्लाई बाय आपका टेन परसेंट उसके बाद ढाई लाख पे पंद्रह परसेंट लगाइए ढाई लाख का पंद्रह परसेंट इट्स कम्स टू द सैंतीस हजार पांच सौ उसके बाद सत्तर हजार पे आप तीस परसेंट लगाइए इक्कीस हजार अब आप दस लाख पे स्लैब रेट से लगा लीजिए दस लाख जो है उस पर तो स्लैब रेट से जाएगा ये बाकी वाली स्पेशल रेट वाली इनकम को पहले ले लिया बाकी बचा वो नॉर्मल टैक्स रेट वाला इनकम करके ठीक है तो दस लाख की इनकम पे अपन स्लैब रेट से लगाएंगे तो इसके लिए लिख लेते हैं नोट नंबर वन और यहां पे मैं दर्शा देता हूं नोट नंबर वन दैट इज आपका अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि ये तो है नहीं तो ढाई लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा ढाई लाख से लेके और अप टू फाइव लाख तक की इनकम पे फाइव परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा बारह हजार पांच सौ और बेटा फाइव लाख से लेके और अप टू टेन लैख तक की जो इनकम है उस पर ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा लाख बारह हजार पांच सौ तो टोटल तो तो मिला के हुआ टू लाख फोर्टी वन थाउजेंड आपका टैक्स टोटल मिला के आपका हुआ 241000 अब एक बात समझिए क्या सरचार्ज लगेगा क्या इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज तभी लगता है जब ये वाली इनकम जो है ना वो आपकी 50 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है यहां 50 लाख से ज्यादा तो है नहीं यहां 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहां पे मेरा सरचार्ज तो नहीं लगेगा लेकिन क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा या नहीं आएगा आंसर इज यस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऐड करना है ये लास्ट में तो ये जो टैक्स आया इसमें आप ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट और फोर परसेंट की रेट से आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया दैट इज चार परसेंट नाइन तो इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका नेट टैक्स आ जाएगा दो दैट इज कॉल योर नेट टैक्स नेट टैक्स आपका आ गया दो लाख पचास हजार छह सौ चालीस करके ठीक है अरे सर्विस रुक जाना बेटा ये डायरेक्ट कैपिटल गेन का अमाउंट दे रखा है सर्वेश प्रताप रुक जा बाबू रुक जा ऐसा एक क्वेश्चन तुम करोगे ऐसा एक क्वेश्चन तुम करके बताओगे मुझे फटाफट ऐसा एक क्वेश्चन तुम करके बताओगे मुझे फटाफट सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन नहीं है नहीं हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट आता है अगर प्रॉपर्टी को ही बेच देते हो देखो एक बात बताओ मुर्गी से अंडे कमाओगे तो अंडे जो है वो नॉर्मल इनकम है मुर्गी बेच दी तो हाउस प्रॉपर्टी में कब जाता है जब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आता है वो हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर कैपिटल गेन हुआ ना चलिए तो एक क्वेश्चन करिए मैं एक काम करता हूं सीधा आपको वो ही लिखवाता हूं फिर आप क्वेश्चन करेंगे नोट कर ले करो करो नोट करो फटाफट करो अब आप बोलोगे सिर्फ टेक्स्ट बताना चाहिए पूरा प्रेजेंटेशन अगर मान लो क्वेश्चन आता है थेटिकल में डिस्क्रिप्टिव में तो सॉल्व करना पड़ेगा एमसीक्यू में आया तो भाई साहब फटाफट क्वेश्चन निकालना है यस भावना तुम्हारा मुझे मैसेज दिख रहा है वाई 10 लैख 10 लैख कहां से आया बैलेंस इनकम ना आपकी देख नाइनटीन लैख ट्वेंटी, ट्वेंटी टोटल इनकम थी 1920 टोटल इनकम है इसमें से ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम ये 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 तो बचा कितना 10 लाख ना और टेन लेख कौन सा वाला था ऊपर वाला था ना बेचार ये हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी ये तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हुआ ना टेन लैख तो यही टेन लेख ये क्वेश्चन था तन में रुक जा बिजनेस की इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रेट से स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है सिर्फ स्पेशल टैक्स रेट वो चार पांच ही है जो मैंने बताई ना ये सिर्फ स्पेशल टैक्स रेट है आपके सिलेबस में इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम होगी वो सब नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी और ये लास्ट वाला है ना ये तो आप ध्यान अभी नहीं रखोगे तो भी चलेगा सिक्सटी परसेंट वाला वो एओ वगैरह लगाता है एक बात समझना आप यह समझिए ये चार टैक्स रेट जो है ना यही आपके स्पेशल रेट वाली है 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 परसेंट वन वन टू वाला, वन वन टू वाला 10 परसेंट इन एक्सेस ऑफ वन लैक जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15 परसेंट विनिंग वाला है वो 30 परसेंट करिए ठीक है चलिए अब आप एक और क्वेश्चन करेंगे अब आप एक और क्वेश्चन करेंगे सरचार्ज कौन से अमाउंट पे लगता है जो ये टैक्स का अमाउंट आया अगर इस पे सरचार्ज लगता अगर सरचार्ज लगता तो टैक्स वाले अमाउंट पे लगता है चलिए अब आप एक काम करिए एक और क्वेश्चन लीजिए लीजिए क्वेश्चन ठीक है अब इसमें मैं सरचार्ज वाला क्वेश्चन दे दूंगा ठीक है चलिए एग्जाम्पल नंबर टू लिखिए फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर देव जी नाम है देवजी किसी का फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स पेबल मिस्टर देव जी मिस्टर देव जी और ब्रैकेट में लिखिए एज सिक्सटी थ्री ईयर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एज सिक्सटी थ्री ईयर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एस टी सी जी हा हा रुकी हिमांशु रुकी बेटा थ्री ईयर रेजिडेंट इंडिविजुअल सीधा मैं इनकम ही बताता हूं ठीक है तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मैं टोटल इनकम निकाल के देता हूं आपको टोटल इनकम प्रीवियस ईयर बाईस तेईस असेसमेंट ईयर तेबिस चौबीस सबसे पहले लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है मान लो चार लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है चार लाख रुपए की उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है मान लो फिफ्टी टू लाख रुपए का टू लाख रुपए का उसके बाद आपके कैपिटल गेन में दो तरह का कैपिटल गेन है एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू वाला बीस परसेंट वाला वो है मान लो नौ लाख रुपए का और एक तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन त्रिपल वन ए वाला ये बीस परसेंट से जाता है ये पंद्रह परसेंट से जाता है ये आपका है तीन लाख वाला तो यहां पे टोटल आ गया बारह लाख रुपया उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका कुछ विनिंग्स का इनकम है विनिंग्स का इनकम है नाइन्टी थाउजेंड ठीक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग का इनकम है नाइंटी थाउजेंड बस आपकी और कोई इनकम नहीं है तो यही तुम्हारी बन गई ग्रॉस टोटल इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है चार लाख प्लस फिफ्टी टू लाख प्लस एक लाख बीस हजार नहीं एक लाख बीस बारह लाख प्लस नाइन्टी थाउजेंड तो सिक्सटी एट लाख नाइन्टी थाउजेंड का आपका इनकम है इसमें से कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर लिखा है मैंने सिक्स ए डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए कुछ भी नहीं है तो यह आपका हो गया नेट टैक्सेबल इनकम चलिए अब आप मुझे टैक्स निकाल के बताइए अब आप मुझे टैक्स निकाल के बताइए जो फॉर्मेट मैंने बताया था वैसे क्या वैसे इसमें एल टीसीजी वन वन टू है और सीधा बाद में एस टी सी जी ट्रिपल बने करके ठीक है उसके बाद में विनिंग का इनकम है तीन स्पेशल रेट्स वाली इनकम है बाकी सब नॉर्मल रेट की इनकम है टैक्स निकालिए सरचार्ज एड करिए क्योंकि ये इनकम पचास लाख से ज्यादा है तो दस परसेंट आप सरचार्ज एड करिए और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आप एड करिए एट द रेट फोर परसेंट चलिए बताइए मुझे टैक्स का अमाउंट कितना आता है लगेगा ना स्पेशल रेट्स की इनकम पे सरचार्ज लगेगा जैसा नॉर्मल लगता है वैसे ही लगेगा दस परसेंट पूरे टैक्स पे आप दस परसेंट सरचार्ज एड करिए ये क्वेश्चन हुआ बस इसका सॉल्यूशन सीधा टैक्स निकाल दो आप टैक्स निकाल दो ये ऐसे फॉर्मेट में जो फॉर्मेट मैंने कराया ना सेम इसी फॉर्मेट में देख लीजिए स्पेशल रेट्स वाली इनकम कितनी है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स निकालिए बाकी बचा उस पर स्लैब रेट से टैक्स निकालिए फटाफट करिए सरचार्ज पूरे टैक्स पे लगेगा जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे सरचार्ज जोड़ना है स्पेशल रेट्स की इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर भी सरचार्ज लगेगा सरचार्ज जो है वो पूरे टैक्स जो आएगा पूरे टैक्स पे सरचार्ज लगेगा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्पेशल रेट्स की इनकम का टैक्स तो जो स्पेशल रेट्स की इनकम का टैक्स आएगा उस पर भी सरचार्ज लगेगा नेट टैक्स बता दीजिए मुझे चलिए बहुत सारे आंसर आ गए दो आंसर सबसे ज्यादा आ रहे हैं नाइनटीन नाइन्टी फाइव सेवन हंड्रेड एंड टेन एंड नाइनटीन फाइव सेवन हंड्रेड एंड एटीन ट्रिपल फाइव सेवन जीरो दो आंसर सबसे ज्यादा आए एक तो आपका आया नाइनटीन 710 फाइव सेवन हंड्रेड एंड टेन और दूसरा आंसर आया एक एटीन ट्रिपल फाइव सेवन जीरो ये दो आंसर सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं देखते हैं किसका आंसर सही है हाउस प्रॉपर्टी देखो भाई मैं बताऊं ये स्पेशल रेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है उस पर पे नॉर्मल रेट से टैक्स जाएगा हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस की इनकम सब पे नॉर्मल वाला सिर्फ स्पेशल रेट वो चार पांच है वो स्पेशल रेट से बाकी सब इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट से 1992 895 और आया टू एट चलो देखते हैं कहां गड़बड़ की है आपने मैं ऊपर से एज इट इज उसको कॉपी मार के ले रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखने में थोड़ा जोर आ रहा है जोर आ रहा है मेरे को लिखने में तो मैं एज इट इज उसको कॉपी मार के ले रहा हूं मेरे को जो यूज रहेगा वो मैं ले रख लूंगा बाकी सबको डिलीट कर दूंगा मेरे को जोर आ रहा था इसलिए मैंने ऊपर से ले लिया करके ठीक है लेकिन इसमें मेरे पास वन वन टू ए वाला नहीं है तो इसको मैं हटा देता चलो देखते हैं किसका सही है तो देखो तुम्हारी टोटल इनकम जो है चलिए तो टोटल इनकम है कितनी तुम्हारी तो देखिए टोटल इनकम जो यहां पे है वो यहां पे टोटल इनकम है सिक्सटी एट लैख नाइनटी थाउजेंड सिक्सटी एट लैख नाइनटी थाउजेंड अब इसमें से जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी वन वन टू नाइन लैख थ्री लैख एंड नाइनटी थाउजेंड सो ये तुम्हारा है नाइन लैख ये तुम्हारा है थ्री लैख ये तुम्हारा है नाइनटी थाउजेंड आई थिंक यस नाइन्टी थाउजेंड जो बचेगा वो नॉर्मल वाला जो बचेगा वो नॉर्मल वाला तो सिक्सटी एट लैख नाइन थाउजेंड में से नाइन लैख माइनस थ्री लैख माइनस तो जो बचा ,00 समझिए तो स्पेशल रेट्स वाली स्पेशल रेट से टैक्स लगाएंगे ट्वेंटी 9, परसेंट 9 तो नाइन लैख मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट कम्स टू वन लैख एटी थाउजेंड आएगा थ्री लैख का 15 comes to आएगा। का 30 comes to आएगा। का और बेटा ये 56 पे आप नोट वन में रेट से लगाएंगे। चलिए यहां पे अपन नोट नंबर वन में जब स्लैब रेट से टैक्स लगाने गए तो मुझे एक बात बताइए यहां पे सीनियर सिटीजन है क्वेश्चन ढंग से पढ़ा क्या नहीं सीनियर सिटीजन है यहाँ पे यहां क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन था मिस्टर देव जी और उसके लिए एज कितनी है सिक्सटी थ्री इस रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट तीन लाख वाला लगेगा यहां पे जो बेसिक एग्जामिशन का स्लैब रेट है वो तीन लाख वाला लग जाएगा देव जी के केस में तो यहां पे बेटा देव जी के केस में आपका स्लैब रेट तीन लाख वाला लगेगा तो आप यहां पे क्या करेंगे अप टू थ्री लाख तक तो आपको डैश पे डैश लेना है कोई टैक्स नहीं लगेगा मोर देन थ्री लैख थ्री लैख से लेके और टू फाइव लैख तक की इनकम पे आपका फाइव परसेंट दैट इज दस हजार उसके बाद आप फाइव लैख से लेके और आपका जो टेन लैख तक रहेगा इस टेन लैख पे आप लेंगे ट्वेंटी परसेंट दैट इज द वन लैख और बेटा जो 10 लाख से लेके और टू आपका 56 लाख तक का जो इनकम रहेगा उसपे आपका 30% परसेंट सो फोर्टी सिक्स लाख मल्टीप्लाई बै थर्टी परसेंट कम्स टू तेरह लाख अस्सी हजार आ गया टैक्स की टोटल कर दीजिए पहले वन लाख प्लस टेन थाउजेंड तो इट्स कम्स टू द फोर्टीन लाख नाइन्टी थाउजेंड ये फोर्टीन लाख नाइन्टी थाउजेंड यहां पे पुट कर दीजिए तो फोर्टीन लैख नाइन्टीन थाउजेंड नाइनटी थाउजेंड आपने यहां पे पुट कर दिया प्लस सत्ताईस हजार ये आपका आ गया सेवनटीन लैख एंड फोर्टी टू थाउजेंड सेवेंटीन लैख एंड फोर्टी टू थाउजेंड सेवेंटीन लैख फोर्टी टू थाउजेंड अब आप देखोगे सरचार्ज लगना चाहिए नहीं सरचार्ज के लिए वही ने वहां देखा था टोटल इनकम कितना पचास लाख ,00 से ज्यादा है तो पचास लाख से ज्यादा है तो यहां सरचार्ज लगेगा कौन सी रेट से लगेगा तो पचास लाख से ज्यादा है तो यहां पे सरचार्ज लगेगा वो सरचार्ज लगेगा कौन सी रेट से टेन परसेंट की रेट से पचास लाख ,00 से एक करोड़ के बीच है तो तो ऐड कर दीजिए ऐड सरचार्ज एट द रेट टेन परसेंट तो ये आ गया 174 200 इसको ऐड कर दीजिए 19 लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड इसका चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट चार परसेंट तो इसका चार परसेंट सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स फोर्टी एट तो आपका नेट टैक्स पेबल कितना आया 19 लाख 92000 एंड 848 या इसको आप राउंडेड ऑफ करोगे 1992000 एंड 850 आ जाएगा 1992850 आया 1992850 तो ये लास्ट वाला आंसर है ये सही है ये वाला आंसर सही है बाकी ये दो आंसर जो दिए वो सब दोनों इडियट्स लोग जीनियस ये वाला है 1992-848 जीनियस मेरा हाँ, मेरा करेक्ट है, मेरा करेक्ट है है हाँ पहले आपको क्या करना है टोटल स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगाओ नॉर्मल वाली पे नॉर्मल रेट से और फिर आप ऐड करेंगे सरचार्ज फिर आप ऐड करेंगे, करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पूरा गलत हो गया सीनियर सिटीजन हमने तो देखा ही नहीं था सर हमने तो सीनियर सिटीजन नहीं देखा ना उसकी वजह से गलत हो गया इसलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आ गया इसलिए हमारा 1995 710 आया था 1995 उन्हीं का आया होगा ना क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या लिया होगा फोर्टीन लाख नाइन लिया होगा फोर्टीन प्लस सत्ताईस हजार प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख एटी थाउजेंड प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट तो नाइनटीन नाइनटी फाइव सेवन जीरो एट जो था वो उनका आया था जिन्होंने है ना गड़बड़ की और क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन देखा ही नहीं क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन देखा ही नहीं वो उन लोगों का ऐसा हुआ था करके ठीक है चलिए अब एक काम करिए अब एक काम करते हैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं चॉकलेट सर और यार चॉकलेट में अच्छा आज मैं ना पक्का दे दूंगा चॉकलेट जिसने ये पहला सही आंसर किया है 1992 848 उसको चॉकलेट बट एक मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को मैसेज चेक करने पड़ेंगे सबसे पहले आंसर किसने सही दिया है सबसे पहले आंसर किसने सही दिया उसको चॉकलेट मिलेगा बट आपको रुकना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप मैसेज करोगे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा मैं मैसेज करोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा तो आप एक बार एक मिनट के लिए रुक जाओ सब लोग कोई मैसेज नहीं करेगा एक मिनट के लिए आप रुक जाओ कोई मैसेज नहीं करेगा नाइनटीन नाइनटी वाला मैं आंसर देख लेता हूं सबसे पहले किसने किया था उसको चॉकलेट मिलेगी ठीक है चलिए इधर देखिए अभी मैसेज नहीं करोगे

अरे भाई 848 भी करेक्ट माने ही जाएगा ना राउंड ऑफ नहीं किया ठीक है ना मार्जिनल 50 लाख से देखना है तो 60 लाख 68 लाख पचास लाख से थोड़ा बहुत ऊपर होता तो देखते हैं चलिए अब एक बात समझना इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इधर देखो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बड़ा प्यारा सा मेरे को एक पानी थोड़ा पी लेने दो फिर पढ़ते हैं सर लास्ट वाली भी पेंडिंग है चलिए इधर देखिए सब लोग इधर देखिए सब लोग इधर देखिए इधर देखिए एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे आप कुछ लिखेंगे नहीं ठीक है दुबई का पानी नहीं है यार यहीं का गरीबों वाला वो बिस्लरी की बोतल खराब हो जाती है उसी में भर भर के पी रहे हैं हम लोग वो वाले गरीब है जब अगर बाहर से एक दिन बिस्लरी की बोतल खरीद ली ठीक है भाई साहब हमारे घर पे रेल नीर की ही मिलती है करके वो उसको चलाते हैं कम से कम क्या करते हैं दो साल तक तो उसी में पानी पीते हैं हम लोग रेल नीर की दस रुपए की बोतल आती है उसमें पानी एक बार रेलवे स्टेशन पे पिया उसके बाद घर में दो साल तक उससे पीते हैं चलिए इधर देखिए आप लोग एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपका ध्यान इधर होना चाहिए एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल एज थर्टी टू ईयर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एज थर्टी टू ईयर्स अभी भी आप गरीब हो क्या हाँ यार हम क्या गरीबी है हम तो वो छोटे थे तो वो इमली खाते थे ना तो इमली के दाने तकिए के नीचे रख लेते थे शायद सुबह पैसे बन जाए करके ठीक है किसी ने बोला था कि इमली के दाने होते हैं इमली खाते हो ना आप लोग तो वो इमली के अंदर से एक दाने निकलते हैं ब्लैक कलर के वो ब्लैक कलर के दाने अगर आप तकिए के नीचे रख लेते हो तो सुबह पैसे बन जाते हैं तो हम तो आज भी वैसा रखते थे करके ठीक है कभी नहीं बने तो मिस्टर बीबी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका जो एज है वो थर्टी टू ईयर्स है फॉलोइंग इनकम फॉलोइंग इनकम कंप्यूट टैक्स पेबल कंप्यूट आप लिख लीजिए साथ साथ लिख लीजिए कंप्यूट टैक्स पेबल मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग फॉलोइंग इनकम कंप्यूट टैक्स पेबल लिखिए कुछ इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी मान लो सैलरी का मेरा इनकम है कंप्यूट किया हुआ है कंप्यूटेड कंप्यूट compute कर रखा है सैलरी का इनकम वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू वाला है वो मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू वाला है वो मान लो अस्सी हजार है उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू ए वाला है वो मान लो चार लाख है या चार लाख की जगह आप फोर्टीन लाख कर दीजिए फोर्टीन लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए वाला है मान लो सिक्सटी थाउजेंड है और विनिंग्स की इनकम जो है वो मान लो एटी थाउजेंड है बस यही मेरी इनकम है ये मेरी हो गई ग्रॉस टोटल इनकम और मान लो इसमें से कोई डिडक्शन है नहीं डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए कुछ भी नहीं है तो यही मेरी हो गई नेट टैक्सेबल इनकम हम तो आज भी वो बच्चे हैं जब एग्जाम्पल नंबर तीन लिख सकते हो हाँ एग्जाम्पल नंबर थ्री लिख लीजिए इसको तो टोटल इनकम कितनी हुई एक लाख साठ हजार प्लस अस्सी हजार प्लस फोर्टीन लाख प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड इट्स कम्स टू तो सेवेंटीन लाख एटी थाउजेंड सेवेंटीन लैख एटी थाउजेंड हम तो आज भी वो बच्चे जिसको लगता है सोन परी आएगी और हमको बचा ले जाएगी सोन परी आई 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 सोन परी आई तुमने देखा कभी सोन परी वाला के सीजियन? भाई साहब मजा आ जाता था मैं तो का बुम बुम और सोन सोन परी तो कभी मिस नहीं करता था मेरा तो फेवरेट था साकालका बुमबुम में वो संजू पेंसिल मैंने वो पेंसिल भी खरीदी पता है मैंने वो पेंसिल भी खरीदी उससे बनाया कुछ बन ही नहीं रहा था और भाई साहब मैं छोटा था जिस दिन पंद्रह अगस्त होता था उसके एक दिन पहले तो भाई साहब मैं सोता था एकदम शानदार वाला और ऐसा उठ सुबह उठ जाता था मस्त वाले वो जूते मस्त वाले व्हाइट वाले जूते पहन के उस दिन तो ऐसी फील आती थी ना आज तो पता नहीं मतलब लड़ी लेंगे देश को जिता देंगे करके ठीक है डोरेमोन दिखते थे डोबेरेमोन नोबिता कुणाल मेरी बेज्जती कर रहा है पता है क्या बोलता है पता है तो उस सकल का बुम, -बुम की पेंसिल से बनने के लिए आपकी ड्रॉइंग भी अच्छी होनी चाहिए ए भगवान ऐसे किसी की उड़ाते हैं क्या पाप लगता है पता है तुमको इसमें क्या प्रोफेसर की उड़ाते उसको पाप लगता है चिंचन चिंचन नोबिता चिंचन चिंचन तुम कहाँ गए थे तुम इधर ही थे ऐसा ही वो बोलता था ना चिंचन <śart proverb> चलिए अब आप इधर देखिए चलिए आप इधर देखिए सब लोग अब आप इधर देखिए कॉपी हो गया आपका ये वाला पार्ट कॉपी हो गया चलिए अब आप इधर देखिए सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए इधर उधर कहीं पे नहीं देखोगे आप सब लोग इधर देखोगे मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो पेन पेंसिल रख लो पेन पेंसिल रख लो पेन पेंसिल रख लो रख लो करके ठीक है पेन Pen, पेंसिल आपके हाथ में है बुक है उसको क्लोज कर दो और इधर ध्यान दो एक बात समझना आप लोग सब लोग इधर ध्यान देना मैं फॉर्मेट यहां ऊपर से कॉपी कर रहा हूं तो आप सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए इधर दो इधर 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 ध्यान दे दो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो सब लोग इधर से ध्यान दो कुछ भी कोई नहीं लिखेगा सिर्फ आपका ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि मैं यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए इधर ध्यान दो मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन में जो ऊपर मैंने लिखाया एग्जाम्पल नंबर थर्ड इसमें आपकी टोटल इनकम कितनी है सेवनटीन लैख एटी थाउजेंड है तो इधर देखिए ये आपका सेवनटीन लैख एटी थाउजेंड का आपका क्या है इनकम है सेवनटीन लैख एटी थाउजेंड इधर ध्यान दो हाँ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट 17 लाख 80,000 का आपका इनकम है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, क्या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 112 वाला बताओ मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 80,000 है? ये तुम्हारा 80,000 है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 60,000 है? 60, है उसके बाद आपका एस टी सीजी ट्रिपल बने वाला कितना है नो नो ये फोर्टीन लैख था यार ओ, ओ गड़बड़ कर दी मैंने ये फोर्टीन लैख है ये फोर्टीन लैख है और ये मेरा सिक्सटी थाउजेंड है और ये मेरा एटी थाउजेंड है सही है मैंने सही लिखा एटी थाउजेंड हाँ ये भी एटी एटी ये भी 80, हाँ एलटीसीजी वन वन टू वाला एटी थाउजेंड है

यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जहां आपका ध्यान होना चाहिए इधर देखिए मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा इधर देखना इधर 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 देखना इदर देखना इदर देखना मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पे ये जो एटी थाउजेंड है इसपे टैक्स कितना लगेगा बीस परसेंट की रेट से तो बीस परसेंट की रेट से टैक्स लगाया कुछ लिखना नहीं है ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगाया सोलह हजार आ जाएगा हां भाई सोला हजार या 14 लाख पे 13 लाख पे टैक्स लगेगा लाख पे नहीं लगेगा इन एक्सेस ऑफ लाख लगता है तो 13 लाख पे 10 परसेंट अगर आप टैक्स लेंगे तो एक लाख तीस हजार आ जाएगा नौ हजार तो आ जाएगा और बेटा इस 80,000 पे 30 परसेंट लेंगे तो आपका चौबीस हजार आ जाएगा सर यहां पर एक है इस पर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि हमारी बेसिक एग्जामेशन है वो ढाई लाख होती है यहां पे जो बेसिक एग्जामेशन है वो बेसिक एग्जामिशन ढाई लाख होती है तो ढाई लाख तक तो इस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं तो बेसिक एग्जामिशन ढाई लाख होती है अब मैं आगे आने वाले जो चार पांच मिनट बोलने वाला हूं उस पर पूरा ध्यान देना हमारी बेसिक एग्जामेशन है वो ढाई लाख होती है लेकिन यहां पे तो हमारे पास सिर्फ एक लाख साठ हजार है बैलेंस वाला इनकम स्पेशल रेट्स वाला अलग है नॉर्मल रेट वाला सिर्फ एक लाख साठ हजार है एक बात बताऊं यहां तो हमारी पूरी बेसिक एग्जामिशन यूज ही नहीं हुई है मेरी जो पूरी बेसिक एग्जामिशन है बेसिक एग्जामिशन यहां इंडिविजुअल के केस में ढाई लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता और यहां पे तो मेरी सिर्फ एक लाख साठ हजार की बेसिक एग्जामिशन यूज हुई है इसका मतलब मैं आपको यह बोलू कि यहां पे मेरा नाइन्टी थाउजेंड का बेसिक एग्जामिशन है वो खाली पड़ा है 90,000 थाउजेंड का बेसिक एग्जामिशन है वो खाली पड़ा है मींस यहां पे ढाई लाख इनकम होती तो भी कोई टैक्स नहीं लगता बट मेरा तो यहां पे वन सिक्सटी है इसका मतलब मेरा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का बेसिक एग्जामिशन खाली पड़ा है क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि क्या जितना मेरा बेसिक एग्जामिशन खाली पड़ा है नाइनटी थाउजेंड का क्या मैं ये बेसिक एग्जामिशन ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम के सामने एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता Miss, जो ये मेरी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है जैसे एलटीसीजी वन वन टू एस टी सीजी ट्रिपल वन एल या नहीं कर सकता आप मुझे बताइए कि क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं मेरी बेसिक एग्जामिशन खाली पड़ी है तो क्या मैं बेसिक एग्जामिशन को ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता अब एक बात समझना इसमें लॉ मेकर्स ने बोला लॉ मेकर्स बोलते हैं समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप विनिंग के सामने तो एडजस्ट नहीं कर सकते यह जो विनिंग की इनकम है ना इसके सामने तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते इसके सामने तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते उस बेसिक एग्जामिशन को विनिंग के सामने तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते विनिंग के सामने तो आपको मना कर रखा है कि विनिंग के सामने तो चौकड़ी इसके सामने तो हम इस नाइनटी थाउजेंड की बेसिक एग्जिमिशन को एडजस्ट करने नहीं देंगे लेकिन क्या आप ये बाकी वाली तीन इनकम है इसके सामने कर सकते हो या नहीं एक बात बताऊं बाकी के सामने इन तीन इनकम के सामने आप कर सकते हो लेकिन यह बेनिफिट दे रखा है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच को मिस मैं बताऊं अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच है अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच होना चाहिए तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यूएफ है और अगर उसका बेसिक एग्जामिशन खाली पड़ा है उसका बेसिक एग्जेम्पन खाली पड़ा है मीन बेसिक एग्जेम्पन अनयूटिलाइज है बेसिक एग्जेम्पन फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ तो जो बेसिक एग्जेम्पन खाली पड़ा है ना उसको वो यूज कर सकता है एल 112 के सामने एल टी ए के सामने एस टी ट्रिपल वन ए के सामने बट नेवर बिफोर विनिंग के सामने Never before winning. Winning के सामने वो नहीं कर सकता बट बाकी बेटा इन तीनों में से किसी भी इनकम के सामने वो बेसिक एक्समशन ले सकता है लेकिन वो कौन ले सकता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच लेकिन वो तभी होगा जब तुम्हारा बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामेशन से कम है क्योंकि बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम अगर ढाई लाख या उससे ज्यादा होता तो, तो यह दिक्कत आती ही नहीं ये तो कब आई ना जब तुम्हारी बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम स्पेशल रेट्स को छोड़ के जो बाकी वाला इनकम है वो ढाई लाख से कम है तो इस केस में आपका जितना बेसिक एग्जामिशन खाली पड़ा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो किसके सामने ये तीन इनकम के सामने आप कर सकते हो और वो भी कौन कर सकता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एच कर सकता है बाकी लोग नहीं कर सकते सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एच को ये बेनिफिट दिया है तो अब एक बात बताओ मैं बताऊं यहां पे आपकी बेसिक एग्जामिशन कितनी खाली पड़ी है मैं बताऊं नाइनटी थाउजेंड खाली पड़ी है कुछ लिखना मत अभी नाइनटी थाउजेंड खाली पड़ी है तो आप एक बात बताइए यहां पे मैं अगर नाइन्टी थाउजेंड एड कर लेता हूं तो भी मेरा कोई टैक्स नहीं आएगा अब ये उजेंड में एडजस्ट करूं देखिए विनिंग से करने को तो नहीं मिलेगा विनिंग पे तो सीधा टैक्स लग जाएगा विनिंग पे तो सीधा टैक्स लग जाएगा तो एटी थाउजेंड का चौबीस हजार तो का क्या आ गया टैक्स आ गया विनिंग के सामने तो आपका टैक्स आ गया लेकिन एक बात बताइए नाइनटी थाउजेंड इन तीनों में से तीनों में से मैं तीनों के सामने एडजस्ट कर सकता हूं आप मुझे बताइए सबसे पहले मैं किससे एडजस्ट करूंगा आप मुझे बताइए सबसे पहले ये नाइनटी थाउजेंड में लेस कर सकता हूं बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट इसके सामने ले सकता हूं इसके सामने ले सकता हूं इसके सामने ले सकता हूं आप मुझे बताइए सबसे पहले मैं किसके सामने लूंगा सबसे पहले मैं किसके सामने इस नाइनटी थाउजेंड को यूज करने की ट्राई करूंगा आप ही बताइए बाबू आप ही बताइए सबसे पहले मैं किसके सामने ट्राई करूंगा इसको एडजस्ट करने की नाइनटी थाउजेंड को एक बात बताऊं सबसे पहले मैं इस एल के सामने एडजस्ट करूंगा क्यों क्योंकि यहां टैक्स ज्यादा है ना यहां टैक्स ज्यादा है आप किसको सबसे पहले मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा वाला टैक्स है जो ज्यादा वाला टैक्स है एक बात बता अभिषेक अगर ये पंद्रह परसेंट है और ये बीस परसेंट है गवर्नमेंट को क्या भरना पसंद करोगे अरे पंद्रह परसेंट भरना पसंद करोगे ना थोड़ा तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा तो मतलब ही बनो करके ठीक है तो आप सबसे पहले एडजस्ट किससे करना पसंद करेंगे आप एडजस्ट सबसे पहली वाली इनकम जो है 20 परसेंट वाली उससे सबसे पहले एडजस्ट करना पसंद करेंगे उसके बाद 15 परसेंट वाली और उसके बाद 10 परसेंट वाली तो सबसे पहले 20 परसेंट वाली उसके बाद 15 परसेंट वाली और उसके बाद 10 परसेंट वाली ऐसे आप इसको एडजस्ट करना पसंद करेंगे तो आपने क्या किया देखिए ये 90,000 थाउजेंड था मैं काम करता हूं 80,000 थाउजेंड तो यहां पे यूटिलाइज कर लेता हूं 80,000 थाउजेंड वो तो यहां यूटिलाइज कर दिया बेसिक एग्जामिशन को तो मेरा कोई भी टैक्स इस पर नहीं आया उसके बाद मैं एस टी सी जी ट्रिपल बने के सामने दस हजार ले लेता हूं क्योंकि दस हजार बचा है तो दस हजार मैंने यहां पे ले लिया तो बचा कितना यहाँ पे फिर आपका पचास हजार बचा सिर्फ अब आप टैक्स निकाल दीजिए तो अब आप टैक्स निकाल दीजिए तो आप 14 लाख पे तो कुछ एडजस्ट हुआ नहीं तो 14 लाख लाख पे, पे टैक्स लगेगा कितना परसेंट की रेट से एक लाख ये आ गया अब इसकी आप टोटल कर दीजिए तो यह आपका टैक्स आ जाएगा तो एक लाख तीस हजार प्लस सात हजार पांच सौ प्लस चौबीस हजार इट्स कम्स टू द वन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम जो है वो इनकम आपकी इनकम जो है वो आपकी पचास लाख से ज्यादा नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा आंसर इज यस तो लिखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट चलिए अब एक काम करिए आप लोग पहले मैं जो लिखवाता हूं वो लिख लीजिए फिर इसको कॉपी मारिए पहले मैं जो लिखवाता हूं वो लिख लीजिए और फिर इसको कॉपी मारिए करके ठीक है पहले मैं जो लिखवाता हूं वो आप लिख लीजिए और इसके बाद आप इसको कॉपी मारिए तो पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिए और इसके बाद फिर क्या करेंगे आप इस पार्ट को कॉपी मारेंगे जो मैंने यहां पे दे रखा है बट पहले मैं एक काम करता हूं आपको कुछ लिखवा देता हूं तो जो लिखवाता हूं वो आप लिख लीजिए करके ठीक है लिखिए हेडिंग दीजिए पहले मैं लिखवाता हूं इसकी कोई सेक्शन नहीं है हर सेक्शन में बोला हुआ है कैपिटल गेन में और ज्यादा समझ में आएगा आपको ठीक है लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए हेडिंग दे दीजिए बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्शन बेसिक एग्जामेशन अगेंस्ट एल टी सी जी वन वन टू स्लैश एस टी सीजी ट्रिपल वन ए स्लैश एल टी सी जी वन वन टू ए आपका हेडिंग रहेगा सरचार्ज एग्जाम्पल टू में क्यों नहीं लगा एग्जाम्पल टू में तो सरचार्ज लगा था ना बाबू ये देखना एग्जाम्पल टू में तो सरचार्ज लगा था ना वो दस परसेंट उधर क्या पूछ रहा है वो चलिए लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं बेनिफिट ऑफ बेसिक एक्सम्स एलटीसीजीसीजी ट्रिपल वन एंड एलटीसीजी जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच इन केस ऑफ resident individual and HUF in case of resident individual and HUF comma if balance total income if balance total income if balance total income balance total income बैलेंस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है बैलेंस टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखिए अदर देन इफ बैलेंस टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखिए अदर देन स्पेशल रेट्स इनकम अदर देन स्पेशल रेट्स इनकम आपने क्या लिखा इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड इफ बैलेंस टोटल इनकम बैलेंस टोटल इनकम इज अदर देन स्पेशल रेट इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जामिशन 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 देन देन अनयूटिलाइज अनयूटिलाइज यू एंड UTILISED, unutilized basic exemption, unutilized basic exemption can be set up against, can be set up against, can be set up against LTCG under section 112, LTCG under section 112, comma, एस टी सीजी ट्रिपल वन ए कॉमा एल टी अंडर सेक्शन वन वन टू ए एल टी सी जी अंडर सेक्शन वन वन टू ए तो आपने क्या लिखा मैं वापस बोल रहा हूं केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एच यू एफ इफ बैलेंस टोटल इनकम दैट इज अदर देन स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम Is less than basic exemption, then unutilized basic exemption can be set up or can be used against LTCG 112, STCG 311A, and L T C G 112A. But never against, but never continue guru, but never against but never against winning income, never against. विनिंग इनकम और डीम्ड इनकम नेवर अगेंस्ट विनिंग इनकम और डीम्ड इनकम नेवर अगेंस्ट विनिंग इनकम और डीम्ड इनकम बाबू ये रहा सॉल्यूशन, नेवर अगेंस्ट विनिंग इनकम और डीम्ड इनकम नेवर अगेंस्ट विनिंग इनकम और डीम्ड इनकम ये रहा सॉल्यूशन। आप इस सोल्यूशन को घर पे जाके कॉपी करना है घर पे जाके करिए मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आपके पास कल संडे है आपको टैक्स निकाल के लाना है ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जैसे अभी कराया आपको ठीक है होमवर्क के सम दे देता हूं मैं आपको होमवर्क के सम दे देता हूं इसको आप चाहिए तो फोटो खींच लीजिए अभी या फिर आपके क्लास वाले नोट में आ ही जाएगा इसको फोटो खींच लीजिए तीसरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है ये हर्ष थोड़ी देर के लिए रुक जा प्लीज हर्ष थोड़ी देर के लिए रुक जा ठीक है मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर फोर करके आपको लिखना है तो फोर करके लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर फोर रहेगा आई थिंक कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालनी है टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है मैं काम करता हूं कल क्लास नहीं है यस yes, कल क्लास नहीं है तेरह हजार वहां एक लाख तीस हजार टैक्स क्यों आया क्योंकि तेरह लाख पे टैक्स लगाना सिर्फ तेरह लाख पे लगता है इन एक्सेस ऑफ वन लाख खजूर बताया तो था तेरह लाख पे लगेगा ना इन एक्सेस ऑफ वन लाख टेन परसेंट लगता है चलिए कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है मैं यहां पर अलग अलग पर्सन दे रहा हूं हाँ यहां पर दे रहा हूं मिस्टर हरी मिस्टर हरी एज थर्टी टू ईयर्स दूसरा दे रहा हूं यहां पे, मिस्टर जय एज 92 टू ईयर्स नाइन्टी टू ईयर्स मिस्टर करण मिस्टर करण एज फोर्टी टू ईयर्स सब मानना है रेजिडेंट है ठीक है या एक आधा नॉन रेजिडेंट दे ही देता हूं और मिस्टर सैम एज फिफ्टी टू ईयर्स और ये नॉन रेजिडेंट है ठीक है और ये तुम्हारा रेजिडेंट है ये भी तुम्हारा रेजिडेंट है ये भी तुम्हारा रेजिडेंट है और वो तुम्हारा नॉन रेजिडेंट है अब इनकी इनकम क्या क्या है ऐसे चार क्वेश्चन बन जाएंगे करके, ठीक है चार क्वेश्चन बन जाएंगे तो देखिए इनकम दे रखा हूं मैं यहां इनकम्स में, जैसे इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है पहले वाले की इनकम फ्रॉम सैलरी है फॉर एन एग्जाम्पल बारह लाख दूसरे वाले की नहीं है तीसरे वाले की है एक लाख चालीस हजार चौथे वाले की नहीं है दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कंप्यूट कर रखा है पहले वाले की नहीं है दूसरे वाले की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो मान लो दो लाख सत्तर हजार है तीसरे वाले की नहीं है और चौथे वाले की एक लाख तीस हजार है उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका वन वन टू ए वाला है इसका है आठ लाख रुपया इसका है चार लाख रुपया इसका है छ लाख रुपया और इसका है नौ लाख रुपया उसके बाद एल टी सी जी वन वन टू इसका पांच लाख रुपया इसका है मान लो नाइन्टी थाउजेंड रुपीज इसका है मेरे को बढ़िया क्वेश्चन बनाना है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं चालीस हजार रुपया और इसका भी है चालीस हजार रुपया उसके बाद एस टी सी जी ट्रिपल वन ए है एस टी सी जी ट्रिपल वन ए है वो पहले वाले का है मान लो फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड दूसरे वाले का है मान लो एक लाख रुपया तीसरे वाले का है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और लास्ट वाले का है थ्री लाख रुपीज विनिंग का इनकम और है चालीस हजार पचास हजार साठ हजार एंड सत्तर हजार मैं यहाँ आप पे आपकी टोटल इनकम करके दे देता हूँ टोटल इनकम कितनी है टोटल इनकम तो पहले वाले का बारह लाख प्लस आठ लाख प्लस पांच लाख प्लस पांच लाख पचास हजार प्लस चालीस हजार तीस लाख नब्बे हजार है दूसरे वाले का दो लाख सत्तर हजार प्लस चार लाख प्लस नब्बे हजार प्लस एक लाख प्लस पचास हजार नौ लाख दस हजार है तीसरे वाले का एक लाख चालीस हज़ार प्लस छः लाख प्लस चालीस हज़ार प्लस बीस हज़ार प्लस साठ हज़ार आठ लाख साठ हज़ार है और लास्ट वाले का एक लाख तीस हज़ार प्लस नौ लाख प्लस चालीस हज़ार प्लस तीन लाख प्लस सत्तर हज़ार तो ये आपका फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड है चलो जो ये क्वेश्चन करके आएगा उसको चॉकलेट सरचार्ज किसी में नहीं लगेगा आपका और ना एटी सेवन का रिबेट किसी में मिलेगा क्योंकि सब में पांच लाख से ज्यादा का इनकम है तो ना तो रिबेट का क्वेश्चन आएगा ना सरचार्ज का क्वेश्चन आएगा ठीक है चलिए ये आपको घर पे जाके करके आना है अच्छा आपने आपको जो क्वेश्चन दिए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड उसके साथ में आपको एक और क्वेश्चन दिया था मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दू चारों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने हैं यस yes, पहले आप वन करिए फिर थ्री करिए फिर फोर करिए चारों क्वेश्चन आप अलग अलग सॉल्व करेंगे वन टू थ्री फोर चारों क्वेश्चन आप अलग अलग सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप कैसे करते हैं करके ठीक है सर सॉल्यूशन कहां दिए कल के एमसीक्यू के मैं आपको बताऊं मैंने एमसीक्यू के सॉल्यूशन बना रखे हैं सब चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा इंटर एमसीक्यू के सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं सबके एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया एक्सप्लेनेशन नॉन रेजिडेंट को एग्जामिशन बेसिक एग्जामिशन तो मिलती है लाख की बट उसके सामने एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा चलिए अच्छा नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने अभी तक किया ही नहीं है देखो ये एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज वन है इसके सॉल्यूशन मैंने ऐसे बना रखे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ठीक है या पहला वाला है उसका देखिए पहला वाले का ये हुआ दूसरे वाले का ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए तीसरे वाले का ये हुआ मैंने मस्त बना रखे ना सबके सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन मस्त बना रखे ना सब चीजों के करके ठीक है मैंने सब सॉल्यूशन एकदम मस्त बना रखे इसका आपको मैं एज इट इज पीडीएफ दे दूंगा ठीक है इसका मैं एज इट इज आपको पीडीएफ दूंगा बट अब नहीं दूंगा मैंने सब बना के रखा है तुम्हारे लिए करके ठीक है ये मेन टू थाउजेंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर आपने कर लिए तो ठीक है नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं सर मैं इसके आंसर अपलोड कर लूंगा बट मैं सिर्फ अभी उसी उसी के करूंगा जिस जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं नहीं तो फिर क्या होगा ना आप है जो मजे लेने चालू कर दोगे फिर क्या करोगे आप ट्राई नहीं करोगे क्योंकि यहां पर सोल्यूशन दे रखा है मैंने तो आप फिर उसी को देख के और कर लोगे तो वैसा नहीं होगा ना फिर ठीक है चलिए अब अगले लेक्चर में ना थोड़ा और इस टॉपिक का पार्ट बचाया करके एक थोड़ा सा पार्ट और बचाया एक घंटे का वो करेंगे अगले लेक्चर में एक डेढ़ घंटे का और फिर अपन नए टॉपिक पे चले जाएंगे पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है नॉन रेजिडेंट में क्या होगा मुझे क्या पता तुम बताओ तीन और चार नहीं बनाना कोई बात नहीं चेक करेंगे तीन और चार कैसे नहीं बना करके ठीक है हम चेक करेंगे तीसरे में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है ध्यान दो और चौथे में कोऑपरेटिव चौथा जो है वो भी मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है ध्यान दो तीसरा और चौथा एमसीक्यू आपसे बनेगा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान दो तो आपसे बन जाएगा पांचवा तो वो बीबीई वाला था सेवेंटी एट परसेंट टैक्स वाला करके ठीक है एट्थ क्वेश्चन जो है वो आपका टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर एट्थ क्वेश्चन को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा एथ क्वेश्चन को छोड़ दो आप चाहिए तो एट्थ क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए चाहिए तो एथ एमसीक्यू को आप छोड़ दीजिए एमसीक्यू नंबर वन टू थ्री फोर वो सब कर लीजिए ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे अपन कल मतलब मंडे को ठीक है मंडे को अपन क्या करेंगे मुझे और थोड़ा टैक्स रेट वाला पार्ट बाकी है जहां पे और थोड़ा मतलब शानदार वाली चीज है वो एक बाकी है उसके बाद में मैं ले चलूंगा आपको दूसरे टॉपिक पे और मोस्टली हम हाउस प्रॉपर्टी चालू करेंगे ठीक है बैलेंस इनकम इज देन बेसिक एग्जामेशन अलाउ होगा नयन आंसर इज यस पूरा कर लीजिए एडजस्ट अगर मान लो तुम्हारा बैलेंस इनकम है वो बैलेंस इनकम किसी का जीरो होता जैसे इस एग्जाम्पल जो अपन बात कर रहे थे यहाँ एक लाख साठ हजार की जगह मान लो यहाँ पे जीरो होता मेरे पास सिर्फ स्पेशल रेट्स की इनकम होती तो ढाई लाख में एडजस्ट करता ना किसके सामने अस्सी इसके सामने कर लेता फिर साठ इसके सामने कर लेता और बाकी वाला बचता वो इसके सामने कर लेता वैसा करते हैं ना अपन चलिए बाय आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करते हैं थैंक्स पीपल मंडे को करेंगे आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा रिवाइज करके आना है और ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है चार क्वेश्चन है इसमें कुल मिला के ठीक है इन चारों क्वेश्चन में आपको टैक्स कैलकुलेट करके आना है करके ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू वाला मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे बाय टेक केयर